ऑल क्लियर। सो गाइस हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से 2 साल पहले जो है टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। मैं यूट्यूब के ऊपर जो आपका टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो मैं समझाता था कि ये टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यू पैटर्न मैंने चलाया, ठीक है। अब दोबारा से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज, दैट इज बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स मीन्स दोबारा से सेम रूट्स के ऊपर, सेम चीज़ों के ऊपर दोबारा से शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर एक सीरीज आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि एक टॉपिक को हम अंडरस्टैंड कर सकें। और ये टॉपिक आप जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिया करेंगे कि हाँ सर ये वाला सेक्शन, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, वो मैं उस जो टॉपिक को लेके ही आगे बढ़ा करूंगा आगे से। आप लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी आपका, मतलब प्रेसिडेंट का टॉपिक तो हम 2 या 3 बार तो पढ़ेंगे ही, मतलब आई मीन 2-3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है प्रेसिडेंट का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। कुछ भी आपको दिक्कत लगे, कुछ भी आपको पूछना हो मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि आपको कोई भी पॉइंट आपने दिमाग में हो, कोई लेक्चर आपके दिमाग में हो, कोई टॉपिक आपके दिमाग में हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड ऑब्वियसली बात है मैं उस लेक्चर को लेके आऊँगा, डेफिनेटली लेके आऊँगा। अब हम वैसे डिस्कस करेंगे जैसे हम पहले आते थे और पूरा धूम मचाएंगे दोबारा से, ठीक है। एंड आई विश कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे MCQs में बहुत सारा प्यार दिया, अगेन ये भी आपसे, ये टॉपिक्स भी आपसे, और मैं भी आपसे वैसे ही प्यार लेता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम बैक टू बेसिक्स, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। इस टॉपिक को मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा कि आपका कोई छोटा एग्जाम हो, कोई बड़ा एग्जाम हो, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। बिल्कुल लोअर लेवल से लेके हाई लेवल तक के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे कवर करूंगा। पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं, कहीं आप बुक से नहीं पढ़ते या कहीं से रह जाते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कॉन्सेप्ट क्या है वो भी पढ़ाऊंगा, आर्टिकल्स क्या हैं वो भी पढ़ाऊंगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और अगेन बैक टू बेसिक सीरीज में हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडियन पॉलिटी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास, और इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल एंड यू नो ऑल मी, क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट्स करता हूं, लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं यहां पे मेरे साथ। यहां पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, कोई एग्जाम प्रेपरेशन डाउट्स एनीथिंग कुछ भी आपके दिमाग में हो तो आप मुझे यहां पे सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, देखिए हमारे टॉपिक्स जो हैं मैं थ्योरी टॉपिक्स आपको ऐसे कवर करवा दूंगा। और अगर देखिए इन क्वेश्चंस को, एक टॉपिक्स को पढ़ना बहुत इजी लगता है, पढ़ाना भी इजी लगता है, समझना भी इजी लगता है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको MCQs पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आप हमारा एक पेड कोर्स आता है, दैट इज 10,000 MCQ कोर्स। इस 10,000 MCQ कोर्स में हर चैप्टर के, जैसे अभी आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो जाके आप इस कोर्स से जो है प्रेसिडेंट के टॉपिक के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, और प्रेसिडेंट जो चीजें हैं उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो कहां पे गलती कर रहे हो आप लोग। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। यहां पे हमारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने MCQ डिस्कस किए हैं, स्पेशल फोल्डर्स, एग्जाम स्पेसिफिक चीजें, मॉक टेस्ट सब कुछ कवर किया गया है। और एक चीज और, पहले क्या होता था, मैं अपने पेड कोर्स के अंदर जो है विदाउट फेस वीडियो डालता था, जो बच्चों को बहुत पसंद आती थी। लेकिन कुछ टाइम से बच्चे मुझे डिमांड कर रहे हैं कि सर जो पेड कोर्स के अंदर वीडियोस डाल रहे हो आप लोग, तो वो भी आप जो है फेस के साथ डालिए। मैं फेस के साथ आज से वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं। आज से 2 वीडियो आया करेंगी, एक आएगी आपकी टॉपिक वाइज, वो भी रैंडम टॉपिक उठाया करूंगा कोई भी। कभी मैंने 1857 के रिवोल्ट के बेस्ट क्वेश्चन करवा दिए, कभी प्रेसिडेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, कुछ भी डिस्कस कर दिया, वो इसके अंतर्गत होंगे आपके। दूसरा जो है एक टॉपिक वाइज चीजें चलेंगी, जैसे अगर मैंने टॉपिक सपोज करो कि 1857 का रिवोल्ट पढ़ा दिया, यहां पे एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो दूसरा जो क्वेश्चन होंगे ना, तो दूसरा मैं आपको ऐसे ले लूंगा, चलो आप पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो मतलब बेस्ट पॉलिटी क्वेश्चन, तो ऐसे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। तो बहुत मजा आएगा आपको इस कोर्स के अंतर्गत भी, और इसमें आपको
1299 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं अगर आप इस कोड को यूज करते हैं, वीआईपी फ्लैश को यूज करते हैं। पॉइंट समझ आया? और इस कोर्स को आप कहां से ले सकते हैं? हमारे स्टडी आईक्यू ऐप और हमारी वेबसाइट, दैट इज स्टडी आईक्यू ऐप और स्टडी आईक्यू वेबसाइट। होम पेज नजर आएगा यहाँ पे, बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा और यहाँ पे व्यू ऑल का नजर आ जाएगा और आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको वहां से नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। बने रहना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, एक एक पॉइंट को समझना। ऐसा नहीं है मुझे पता है और मैं चलता चला जा रहा हूं, ऐसा नहीं। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट के ऊपर इतने लूप होल्स बताऊंगा आपको कि आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर कहां पे गलती करवाता है आपको। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया के अंतर्गत है हमारी, क्या है? वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। अब बात यहां पे ये होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इतना समझ में आता है सबको कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र वर्ड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब सरकार जो है लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई गई है, ये सबको पता है। और ये डेमोक्रेसी वर्ड जो हमें दिया था वो किसने दिया था? अब्राहम लिंकन जी ने दिया था, ये सबको पता है। अब्राहम लिंकन जी ने ये वर्ड हमें दिया था। नाउ द वर्ड इज वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या है? हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जवाबदेही है, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इस चीज को, वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज को जो है लिया है, वहां से ये टॉपिक वहां से हमने उठाया है। नाउ द पार्ट इज कि रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री ब्रिटेन एंड वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट मीन क्या हुआ? यहां पे क्या होता है, हम लोग जो होते हैं इंडियंस, हम लोग जो हैं भारतीय, हम जो है सीधा लोगों को नहीं चुनते, हमारे जो भी, हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते इलेक्शन में। हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं लेकिन क्या होता है, हमारे देश में जो पार्टीज होती हैं ना, वो पार्टीज बनती हैं, पार्टीज के नॉमिनेशंस आते हैं। पॉइंट समझ आया? नॉमिनेशंस आते हैं और हम उन लोगों को क्या करते हैं, वोट करते हैं और चुनते हैं। तो दैट मींस हम लोग जो हैं सीधा वोट नहीं कर रहे, हम क्या, हम सीधा लोगों को नहीं चुन रहे, हम चुन रहे हैं, दैट इज पार्टी ने लोगों को नाम दिया, पार्टी का नाम होगा, पार्टी का चिन्ह होगा, पार्टी के लोग होंगे, नॉमिनेशन होंगी, उसमें हम वोट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहां पर यह बात करी जाती है। और ये जो लोग चुने जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, लोकसभा में जाके बैठेंगे, दैट मींस लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में जाके बैठेंगे। पॉइंट समझ आया? लोकसभा में बैठेंगे और हाउस ऑफ पीपल, दोनों का नाम मतलब सेम है। अब जब लोकसभा में जाके बैठेंगे ना, तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, दे आर कलेक्टिवली मतलब क्या हुआ, जितने एमपी बैठेंगे वहां पे, जितने एमपी बैठेंगे वो जवाबदेही किसको होंगे? दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ध्यान समझना, जितने भी लोकसभा के अंदर बैठेंगे लोग, हाउस ऑफ पीपल में लोग जो बैठेंगे, जितने भी लोग होंगे वो सारे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? हाउस ऑफ द पीपल के लिए, डेट इज लोकसभा के लिए। क्योंकि रीजन बिंग, हमने चुना है उन लोगों को और वो बैठे हैं आगे लोकसभा में, तो इट मींस वो किस सदन के लिए, किस हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, क्लियर हो गया? यहां पे देखिए जी, ये आपका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए जी क्या है, हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि कार्यकारी अधिकारी जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, इनका मेन काम क्या होता है, जितने भी कानून बने हैं उस चीज को आपने इन्फोर्स करना है, लागू करना है। देखिए हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है ना, लेजिस्लेचर जिसे आप विधान पालिका कहते हैं हिंदी में, ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग है। अब लॉ मेकिंग का मतलब क्या हो गया, अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो पार्लियामेंट की बात आ जाती है, अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट आ जाता है। पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, ये सारे पार्ट आते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर में आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम जो है आपका विधान परिषद कहते हैं, गवर्नर, तो ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपका लेजिस्लेचर का पार्ट बनाते हैं, जो कि कानून बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का काम करते हैं। लेकिन इन कानून को लागू करने का काम किसका होता है, जो हमारा पॉइंट था, दैट इज एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालिका,
पॉइंट समझ आया आप लोगों को? और इनका काम क्या होता है? इस चीज को लागू करना, इस चीज को लागू करना जो ये कानून बना दिए हैं, इसीलिए इस चीज को ये क्या करते हैं, इनफोर्स करते हैं, क्लियर, और आपका लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें अथॉरिटी कौन है? इसमें आपकी कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो है, समझ आया, राष्ट्रपति ये हैं, गवर्नर हैं, और सिविल सर्वेंट्स हैं आपके, समझ आया। तो ये आपके जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इस चीज को लागू करवाते हैं, जो इन्होंने कानून बना दिया ये लोग लागू करवाएंगे। अब ध्यान से समझिए, जब ये कानून को लागू करवा रहे हैं, ये लोग जो हैं कानून को लागू करवा रहे हैं, अगर इनसे कोई चूक हो गई, या इन्होंने कोई ऐसे मान लो कि इनसे कोई कानून जा ढंग से नहीं लगा, तो इसका मतलब ये लोग जो होंगे वो जवाब किसको देंगे? ये लोग जवाब देंगे इनको। क्यों इनको क्यों जवाब देंगे? क्योंकि इन्होंने क्या बनाया है, कानून बनाया था। सो दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका अधिकारी जो है, वो जवाबदेही किसके लिए है, लेजिस्लेचर के लिए। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये याद रखना। सो अगली बार अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के जो आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, तो यहां पे क्या देखने को मिलेंगे, देखिए पार्ट फाइव में हम प्रेसिडेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पार्ट फाइव के अंतर्गत आता है कौन, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात आती है, और 52 से 78 नंबर तक आर्टिकल आते हैं आपके यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, और पार्ट आता है आपका पांचवा। अब बात यहां पर यह है, हमारे देश में एक बात आती है कि चीजों को लागू करने वाले लोग कौन हैं। मैंने आपको बताया ना, लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, उस चीज को लागू करना। अब एग्जीक्यूटिव कौन है यहां पे, हमारे सेंटर में एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आता है आपको, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और आपके भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सो ये आपका क्या बनाते हैं, ये सारे लोग क्या बनाते हैं, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाते हैं। तो डेट मींस ये हमारे देश में कानून को क्या करेंगे, स्टैंप यानी कि लागू करवाएंगे। पॉइंट क्लियर। स्टेट के अंदर में अगर मैं बात करता हूं, एक राज्य के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो एक राज्यपाल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल, जिसे हम महान्यायवादी यहां पे कहते हैं, महाअधिवक्ता यहां पे कहा जाता है। सो ये पार्ट बनाते हैं आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव का। पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्या क्या लोग हैं और कौन कौन से लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाते हैं सेंटर में और स्टेट में। नाउ द पार्ट इज, यहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा क्या, कि जब हम इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो इसके एंड में मैंने एमसीक्यूज डाले हुए हैं, उसको ध्यान से समझ के अटेम्प्ट करना। एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी डाले हुए हैं मैंने, और आप गड़बड़ करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप गड़बड़ करेंगे। ध्यान से समझना एक एक लेक्चर को, एक एक पॉइंट को। देखिए जी क्या कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, मैंने आपको पहले बताया क्या है कि राष्ट्रपति जो है हमारा किसका पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्लियर। और ये हमारे देश के अंतर्गत क्या है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाने के हमारे जो हमारा राज्य है, हमारा कंट्री जो है, उसका जो हेड है वो कौन है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान से समझना है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसको टाइटल दिया गया है, मतलब आई मीन टू से कि ये जो है टाइटल वाला है, मतलब ये हेड है, बस इसको बता दिया कि यू आर हेड, बट एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट पावर होती हैं, जो आपकी मतलब कह सकते हो आप ऐसे लगा लो कि जो मेन पावर है वो किसके हाथ में होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं। दैट्स व्हाई जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर इंडियन स्टेट वर्ड आता है तो आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड आता है तो आपका प्राइम मिनिस्टर पॉइंट यहां पे बन जाएगा। सो यहां पे लूप होल आता है जो एग्जामिनर घुमाता है आप लोगों को। क्लियर। और दूसरी बात, आपको पता है कि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का पहला नागरिक। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, What is the meaning of first citizen of India? अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाए, संविधान के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो संवैधानिक पोस्ट है आपकी, ठीक है, संवैधानिक पोस्ट है सारी। संवैधानिक पोस्ट के अंदर
संवैधानिक पोस्ट के अंदर जो स्टेटस मिला हुआ है, सबसे पहला स्टेटस किसका आता है? राष्ट्रपति का। दूसरा स्टेटस किसको मिलता है? आपके उपराष्ट्रपति को, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट को। तो दैट मींस, इट मींस जो सिटीजन है, भारत का नागरिक जो है आपका, भारत का नागरिक होना पहला मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो हमारे राष्ट्रपति को सबसे संविधान में ऊपर वाला रैंक मिला हुआ है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। सो यहां पे जो था आपका, दैट इज आर्टिकल जो 52 to 78 में यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने ये चीज पढ़ी थी। अब हम प्रॉपर एक एक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या है। देखिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 हमें क्या बताता है, दैट इज देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वुड बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ध्यान से समझिए, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वुड बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यहां पे वर्ड क्या डाला है? शैल। ध्यान से समझिए, ये बोलता है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए जो हमारे देश के जो कार्यकारी अधिकारी हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, उनका वो हेड बन के रहेगा। ये वर्ड इन्होंने यूज किया है। नाउ द पार्ट, यहां पे वर्ड शेल वर्ड का मतलब क्या होता है? यहां पे शेल वर्ड का मतलब होता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। हमेशा का मतलब यहां पे क्या हो गया, सपोज करो, आगे भी पढ़ेंगे हम जाके, कि राष्ट्रपति कल को बीमार हो गए, उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, डेथ हो जाती है, इलनेस है, या एनीथिंग, फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो उनकी जगह के ऊपर जो है उनका ऑफिस जो है, उनकी सीट जो है, कभी भी खाली नहीं छोड़ी जा सकती। उनकी जगह के ऊपर हम एक दूसरे प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर देते हैं। वो कौन होता है? अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाएगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो आपका सीनियर मोस्ट जज होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम उसको अपॉइंट कर देंगे हमारे यहां पर। सो ये आपकी सीरीज चलती है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे होता है, पर यह पता होना चाहिए आपको, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट पार्ट है आपका आर्टिकल 53 के ऊपर। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां में मतलब क्या वर्ड हुआ कि चीज को क्या करना है, लॉ को क्या करना है, हमने एग्जीक्यूट करना है। पॉइंट समझ आया, एग्जीक्यूट करना है और इन्फोर्स करना है। और मैंने आपको बताया था कि कौन करता है, वो पार्लियामेंट करती है, ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट तो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, और उसमें जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद वगैरह, ये सारे लोग जो होते हैं, ये क्या करते हैं, उस कानून को स्टैंप यानी कि लगाते हैं। अब बात यहां पर समझिए, देखिए हमारे देश में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको बताया था। इट मींस हमारे देश में जो भी कानून लगाया जाएगा, जो भी कानून लगाया जाएगा, लागू किया जाएगा, वो प्रधानमंत्री जी के कहने पे लगाया जाएगा। पॉइंट समझ आया? लेकिन उसमें साइनिंग अथॉरिटी, एंड में जो साइन करते हैं, एंड में जो साइन करेंगे वो कौन होंगे, हमेशा राष्ट्रपति होंगे। ध्यान से समझिए, कानून लगाने वाली चीजें जो भी होंगी वो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन उसमें साइनिंग अथॉरिटी, एंड में साइन करने वाला व्यक्ति कौन होगा, वो हमेशा क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? इसीलिए हम बात करते हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी कानून लगेगा वो किसका नाम लगेगा भाई, किसके किसके कहने पे लगा हुआ है, राष्ट्रपति के कहने पे लगा हुआ है। सो दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन टेक्स बाय, मतलब जो लागू की जाती है कानून शक्तियां लागू करी जाती हैं बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये वर्ड यहां पे यूज किया जाता है, ये ध्यान के, आर्टिकल 53, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर है ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 54 के ऊपर। आर्टिकल 54 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा और उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है कि कौन कौन लोग जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग जो हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बात, पहले पॉइंट पढ़ते हैं फिर हम देखेंगे आगे, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब यहां पे ध्यान से समझिए, पहली बात तो दिमाग में एक चीज लेके आओ कि हम लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए, नहीं। दो तरीके का इलेक्शन होता है, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। पॉइंट समझ आया? डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह होता है जिसमें हम लोग वोट करते हैं, वी वोट, हम लोग वोट करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, आगे किसी को नॉमिनेशन कर दिया और हमारे जो चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने उसको वोट कर दिया। सो दैट मींस इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहां पे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, पहली बात तो इनडायरेक्ट मेथड से होता है,
ठीक है, वो होता कैसे आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, इनडायरेक्ट मेथड से होता है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये होगा कि जिसमें हम लोग वोट नहीं कर रहे, हमारे चुने हुए लोग वोट कर रहे हैं, जिनको हमने चुन दिया है वहां पे, ठीक है कि भाई तुम बैठो। अब बात यहां पे ये है, ध्यान से समझना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड अप्रत्यक्ष तरीके से चुने हुए लोग, और ध्यान रखना है इलेक्टेड मेंबर करेंगे, इलेक्टेड मेंबर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, कहां कहां के, लोकसभा के, राज्यसभा के। अगर मैं लोकसभा राज्यसभा हटा दूं तो एग्जामिनर आपको क्या डाल सकता है, पार्लियामेंट बिल्कुल डाल सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, वो है आपके लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, और वो कौन कौन से, चुने हुए लोग, इलेक्टेड लोग। ध्यान से समझिए, जब इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दैट मींस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा वो क्या कर नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। पॉइंट समझ आया, इलेक्टेड लोग अगर वोट कर रहे हैं तो नॉमिनेटेड लोग जो है वोट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का मतलब यहां पे क्या है, आपकी विधानसभा, दैट मींस जो विधानसभाएं हैं आपकी, स्टेट असेंबली है वो पार्टिसिपेट कर रही है, उसके भी इलेक्टेड लोग कर रहे हैं, तो दैट मींस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं कर रही। दूसरी बात करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी ही क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पे असेंबली है और इनको भी स्टेटस मिला था, कैसे मिला था, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ईयर याद रखना, अमेंडमेंट का नंबर याद रखना, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग हमने इनको जो है दिल्ली और पुडुचेरी को, पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के इलेक्शन में बोला है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ द पार्ट इज, जब हमने बात करी कि नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेशन आती है लोकसभा में राज्यसभा में, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नॉमिनेशन मेंबर जो है असेंबली के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विधानसभा के नहीं करेंगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि विधान परिषद है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती, तो पेपर में आपको घुमा के एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहां पे भी हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया आपका, ठीक है। अब देखिए जी, यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मतलब आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 55 क्या कहता है कि हम जो राष्ट्रपति का इलेक्शन करेंगे वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इनडायरेक्ट मेथड से, मैंने आपको बता दिया, हमारे चुने हुए लोग आगे वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए, सो दैट मींस दिस इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। दूसरा, सीक्रेट बैलेट पेपर। सीक्रेट बैलेट पेपर का मतलब क्या होता है, जैसे चिट्ठी होती है ना, चिट्ठी उसमें लिख देते हैं कि हाँ हम इसको चुन रहे हैं, ऐसे नहीं होता, स्टैंप लग रही है आ रहा है, दूसरा दूसरा तीसरा आ रहा है, ऐसा नहीं होता। यहां पे जो बात आती है ना सीक्रेट बैलेट पेपर की, बात आती है एक पेपर में लिख देते हैं और वो चुन देते हैं, क्लियर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है इसी लेक्चर के अंतर्गत। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है कि उसके पास 50% प्लस वन वोटें होनी चाहिए, मतलब अगर उसके इलेक्शन में, अगर उसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपके जो है 400 लोग हैं, ठीक है, 400 लोग वोट कर रहे हैं, बट उसके पास 201 सीटें होनी चाहिए, यानी कि उसके पास 201 वोटें होनी चाहिए, तब उस बंदे को, तब उस पर्सन को जो है हम राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। नाउ द पार्टीज, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आगे समझ आएगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें आपको कि क्या है। अब बात यह है, ठीक है, चलो भाई हमने इनडायरेक्ट मेथड से कर लिया, सीक्रेट बैलेट पेपर से कर लिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कर लिया, और आपका 50% वन से कर लिया। पॉइंट समझ आया, ये सब क्लियर है। नाउ द पार्टीज, अब सपोज करो मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, आप भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कोई एक्स वाई जेड वो भी क्या कहता है कि इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, ये ऐसे नहीं है कि हाँ कोई भी जाके खड़ा हो जाए इलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, दो तरीके के लोग इनको सपोर्ट करते होने चाहिए राष्ट्रपति को, कैसे, एक तो आपके लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, जब तक 50 लोग जो है लोकसभा के, 50 लोग जो हैं राज्यसभा के, वो कहना दे कि ठीक है हम इसको वोट, आप इसको लड़वाओ, इलेक्शन लड़वाओ, राष्ट्रपति को इलेक्शन लड़वाओ, ये हाँ राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन है, जब तक ये 50 लोग इसके, 50 लोग उसके नहीं कहते, तब तक जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होगा, तब तक वो पर्सन जो है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मतलब ये है, आपकी बहुत बड़ी पहुंच चाहिए, आपको 50 MP लोकसभा के जानते होने चाहिए, 50 लोग राज्यसभा के MP जानते होने चाहिए, तब जाके जो है आप इलेक्शन लड़ पाएंगे। तो दैट मीन्स आपको नॉमिनेशन में क्या होना चाहिए, 50 electors एज प्रपोजर्स एंड 50 electors एज सेकेंडर्स, मतलब क्या है, आपके पीछे हाथ होना चाहिए, किसका हाथ होना चाहिए, 50 लोग लोकसभा के, 50 लोग राज्यसभा के, हाँ ठीक है लड़वाओ इलेक्शन। पॉइंट समझ आया, तो ये चीज आती है यहां पे। अब बात क्या, हाँ पे ये होती है आगे। अब ठीक है भाई हमने कर दिया, अब वोट करेंगे लोग,
अब वोट करने वाले हमने बात करी क्या है कि उसमें लोकसभा के मेंबर भी वोट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर भी वोट करेंगे, असेंबली के भी वोट करेंगे, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के भी वोट करेंगे। लेकिन अब बात यहां पे ये है, हमारे इतने लोगों की वोट लेना और लोगों का रिप्रेजेंटेशन देना, क्योंकि हमारे देश में क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो रिपब्लिक हेड है, तो दैट मींस रिपब्लिक हेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लोगों द्वारा, हमारे द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अब हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, बिल्कुल हैं, हमारे स्टेट्स में बहुत सारी मतलब हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब उस स्टेट्स में विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें सारी डिफर करती हैं, अलग अलग करती हैं। अब राष्ट्रपति तो देश का एक है, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए, इसको यूनिफॉर्मिटी के लिए जो है आपको क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करना पड़ता है, वोटों की जो संख्या होती है वो यूनिफॉर्म करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं हम, ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, मतलब एक एमएलए की जो वोट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक एमएलए जो होगा, सपोज करके चलते हैं, वो 5000 लोगों के पीछे खड़ा है, ठीक है, मतलब 5000 लोग एक एमएलए को रिप्रेजेंट, मतलब एक एमएलए 50000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एमएलए 70000 लोगों को वोट जो है आपका मतलब उसके पीछे है। तो अब बात क्या होती है कि एमएलए की जो वोट होगी वो कैसे होगी, जिसने जिस राज्य की आपकी टोटल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक राज्य की पॉपुलेशन है लाख मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर हैं असेंबली के अंतर्गत वो कितने हैं, 100, क्लियर, और इट मींस मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ये फॉर्मूला है एक एमएलए की वोट को कैलकुलेट करने का। अगर हमने 100 से 100 यहां पे काट दिया, यहां से 3 की 3 0 वोट काट दी, तो मतलब वहां पे एमएलए की वोट कितनी आई हमारे पास, 1 आई। पॉइंट समझ आया, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है, ये ध्यान रखना, पॉइंट समझ आया आप लोगों को। यहां पे हमने पॉपुलेशन अलग अलग है हर राज्य में, पॉपुलेशन अलग अलग है राज्यों में, तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए हम कैसे करते हैं, एक एमएलए की वोट निकालेंगे, एक एमपी की वोट निकालेंगे, उतने लोगों को मिक्स करेंगे, मतलब उन वोटों को मिक्स करेंगे, और फिर बताएंगे कि कौन किसको क्या इलेक्ट कर रहा है, कौन राष्ट्रपति बनेगा, अभी समझेंगे। एमएलए की वोट को कैसे निकालते हैं हम, ध्यान से समझिए, एक राज्य की पॉपुलेशन ले लो कि एमएलए कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट में तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन ले लो और जितने उस राज्य के चुने हुए लोग हैं उनसे मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड कर दो, जो हमने कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय कर दो 1/1000 से। अगर हमने ऐसे कर दिया तो हमारी टोटल वैल्यू निकल आएगी, एमएलए की वोटों की संख्या निकल आएगी कितनी है आपकी, वो पॉइंट समझ आया, ये क्लियर है यहां पर। अब बात करते हैं हम एक एमपी की वोट को कैसे वैल्यू किया जाएगा, कि हाँ एमपी जो है वो वैल्यू कैसे की जाएगी, हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू होगी वोट्स की सारे राज्यों में, जैसे मैंने आपको बताया हमारे देश में एक, अभी हमने क्या निकाला था यहां पे, एक एक एमएलए की वोट के, एमएलए की मतलब वोट निकाली थी, अब हम एमपी की निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जितने राज्य हैं, अब एक ही निकाली थी मैंने, एक स्टेट की निकाली थी, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी राज्य हैं उनके एमएलए जो भी हैं उनको सारी वोटों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। चलो कर दिया जी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द ऑल द स्टेट्स, सभी एमएलए की सीट को हमने वोट्स को क्या कर दिया, टोटल कर दिया, फिर हमने डिवाइड किया पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड लोग हैं, जब हम पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या निकल आएगा, एक एमपी की वोट निकल आएगी। ध्यान से समझिए, आंख बंद कीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं, सुनिए, एमएलए की वोट निकालनी है, ऐसी आईज क्लोज करो जैसे मैं बोल रहा हूं, एमएलए की वोट निकालनी है तो क्या करेंगे हम, पूरे एक जो भी राज्य है, राज्य के जो लोग हैं उनकी संख्या कर लो, ठीक है, पूरी संख्या कर ली, हाँ हमारे राज्य में इतने लोग हैं, उसको डिवाइड कर दो, जितने हमारे स्टेट के अंदर एमएलए हैं चुने हुए उसे डिवाइड कर दो, कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 से, इससे हमारे सामने क्या आएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, एक एमएलए की वोटों की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे हमारे पूरे देश में बहुत सारे एमएलए होंगे, उन सबकी वोटों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उसको सबको मिक्स कर दो, फिर हम क्या करेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे पार्लियामेंट के उससे डिवाइड कर दो, उससे हमें क्या निकल आएगा, एक एमपी की वोट निकल आएगी। अगर आप इस तरीके से याद कर रहे हैं ना तो आपको समझ आ जाएगा, पॉइंट समझ आया आप लोगों को, ये ध्यान रखना। इससे जब सीटें निकल आएंगी, अब सीटें तो चलो निकल आई, अब क्या होता है, अब क्या होता है, जब भी एक कैंडिडेट को चुना जाता है उसके पास एक फिक्स कोटा ऑफ वोट्स होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, राष्ट्रपति अगर जब हम उसको चुना मतलब वो चुना गया है उसके पास सीटें कितनी होनी चाहिए, मतलब वोट कितनी होनी चाहिए, 50%+1, मतलब जब तक उसके पास 50%+1 वोटें नहीं आती ना तब तक वो राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। अब हम बात कैसे करते हैं, कैसे देखिए समझिए,
हम वोट करवाते हैं, सपोज करो ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ऐसे आपके बहुत सारे नॉमिनेशन है कि हाँ ये लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का। अब क्या होता है, जब भी हम एक एमपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ एमपी जो है इसकी वैल्यू ये है, अब उसमें क्या पार्टिसिपेशन होती है, एक एमपी के पास जो है आपके पास नंबर ऑफ वोट्स होती हैं, चार लोग खड़े हैं तो मैं इलेक्शन अब करवा रहा हूं, मैं वोट कर रहा हूं तो मेरे पास चार लोग हैं, मेरे पास चार प्रेफरेंस हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, ए है, दूसरी प्रेफरेंस क्या है आपकी, बी है, तीसरी मेरी क्या है, सी है और डी है, क्लियर। और ऐसे बहुत सारे एमपी भी बैठे होंगे तो उनमें उनकी पहली प्रेफरेंस ये रही होगी, दूसरी प्रेफरेंस ये रही होगी, तीसरी प्रेफरेंस ये रही होगी, चौथी प्रेफरेंस ये रही होगी, ऐसे होगा। तो सेम ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, यहां पे पहली दूसरी तीसरी चौथी, यहां पे पहली दूसरी तीसरी चौथी, मतलब चार लोगों की वोट हमने करवाई, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, चार लोगों में से पहली प्रेफरेंस इसकी ये थी, दूसरी इसकी थी, तीसरी जो है वो इसकी थी और चौथे बंदे की इसकी जो प्रेफरेंस ये वाली थी, डी वाली थी। अब सीन क्या हो जाता है, अब हम पहली प्रेफरेंस को हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिए, पहली प्रेफरेंस को हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि पहली प्रेफरेंस जो है किस किस के पास गई है, पॉइंट समझ आया। अब जब हमने पहली प्रेफरेंस मैंने इसकी चुनी थी, ए पर्सन एक बंदे ने इसकी प्रेफरेंस चुनी, तो मतलब क्या हुआ, मेरी ये वोटें कट गई है, पॉइंट समझ आया, ये वोटें मेरी कट जाती हैं। अब दूसरे बंदे की प्रेफरेंस ये, तीसरे बंदे के, इस तरीके से क्या होगा, पहली प्रेफरेंस और दूसरी प्रेफरेंस आ जाएगी, सब लोगों की पहली और दूसरी प्रेफरेंस आ जाएगी। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, सपोज करो जब हम इस चीज को चलो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ए बी सी और डी, ठीक है, ए बंदे के पास आई 40 सीट्स मान के चलो, बी के पास आई आपकी 50 सीट्स, नॉट 50 लगा लो, 45 लगा लो, ठीक है, और यहां पे सी बंदे के पास आई 53 और डी बंदे के पास आई थी आपकी जो है 50 सीट्स, आई मीन 40 कुछ लगा लो, 47 एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमारी प्रेफरेंस किसके लिए चल रही थी, पहली ए के लिए चल रही थी, मैक्सिमम लोगों की ए प्रेफरेंस ये थी, लेकिन जीत किसके पास आ रही है, वो 53 के पास आ रही है, तो इसीलिए दूसरी प्रेफरेंस अगर उसकी 53 वोटें जीत रहा है ना, अगर पहली प्रेफरेंस के पास 40 वोटें हैं और दूसरी प्रेफरेंस के पास जो हैं आपकी 53 सीट्स आ रही हैं, तो दैट मींस राष्ट्रपति पता कौन बनेगा, ये बंदा बनेगा 53 वाला, क्यों, क्योंकि हमने बोला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि सबको जो है इक्वल वोट्स दी जाएंगे, प्लूरल वोट्स दी जाएंगी, एक बंदा कितने भी लोगों को चुन सकता है, उसकी प्रेफरेंस देखी जाएगी और प्रेफरेंस कहां पे आ रही है, सेकंड वाले की ज्यादा आ गई, तो इसीलिए सी बंदे को क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा राष्ट्रपति। क्यों कर दिया जाएगा, पहली प्रेफरेंस जो है वो कम रह गई, दूसरी प्रेफरेंस वाली सीटें जो है वो ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण इस पर्सन को अपॉइंट कर देंगे हम राष्ट्रपति। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, तो यह पॉइंट था आपका राष्ट्रपति का। अब बात करते हैं यहां पर हमारे राष्ट्रपति की जो है, अगर इलेक्शन की बात करी जाए, इलेक्शन हो गया, हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करवाएगा, ऑब्वियसली बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएंगे, भारत के जो आपके जो है आपके इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो इलेक्शन करवाएगा। अगर उस इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है, अगर उस इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट पड़ जाता है, तो वो डिस्प्यूट आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग हम कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं, जाने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हम जाएंगे। पॉइंट समझ आया, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो चाहे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, हमारे भारत देश में दो ऐसी इलेक्शन है, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, अगर इनमें कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है तो हम जाते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं, यह ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात यहां पे ये है कि अगर बात की जाए कि भाई डिस्प्यूट हो गया, उसके लिए पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा था, मुझे लगा कि डिस्प्यूट है, यहां पे कोई गड़बड़ चल रही है, तो मेरे पास 30 दिन का टाइम होगा, जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे कि हाँ ये बंदा जीत गया, तो उसके 30 दिन के अंतर अंदर जो है मुझे पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि हाँ ये इलेक्शन गलत हुआ है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है देखेगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल होगा हमारे लिए कि हाँ ये डिस्प्यूट था या नहीं था, राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट हमें डिसीजन प्रोवाइड करेगी। अब बात यहां पर यह है, इलेक्शन पिटीशन जो है
वो कैसे कर सकते हैं और किन कौन कौन से रीजन के कारण कर सकते हैं अगर नॉमिनेशन जो है कैंडिडेट की वो रॉन्गली रिजेक्टेड हो जाए। मतलब सपोज करो कि एक बंदा बोल रहा था कि हाँ मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ना जा रहा हूं, तो उसकी नॉमिनेशन थी ना, तो उसकी नॉमिनेशन गलत तरीके से आपकी रिजेक्ट कर दी जाए तो इससे क्या हो सकते हैं, हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्टेड कैंडिडेट इज रॉन्गली एक्सेप्टेड, मतलब क्या हो गया कि जो चुना हुआ व्यक्ति था वो उसको हमने रॉन्गली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये राष्ट्रपति है, गलत तरीके से, क्योंकि हमेशा हम क्या कहते हैं कि जब भी राष्ट्रपति को चुना जाएगा ना, तो राष्ट्रपति की अगर चाहे वो असेंबली से आए, विधानसभा से आए, चाहे लोकसभा से आए, कहीं से भी आए, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ता है उस जगह से। तो वो बंदा को हमने, उसने रिजाइन नहीं किया, हमने उसको सीधा राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया, तो दैट मींस अगर वो इस चीज से भी आ रहा है तो रॉन्गली एक्सेप्ट हो गया, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, मतलब पिटीशन में ले आएंगे और उसकी पिटीशन फाइल की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, नो क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड देयर वॉज ए वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज। अब ध्यान से समझिए, सपोज करो क्या हुआ कि इलेक्टोरल कॉलेज, मैंने आपको बताया था ना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, जो भी लोग थे असेंबली के लोग, अगर उनमें एक एमएलए नहीं है, समझ आया कि एक राज्य के अंदर 80 सीटें हैं, फॉर एग्जांपल 80 सीटें हैं, उसमें से 79 चुने हुए थे, एक सीट खाली थी, तो इसके आधार पर पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं कहूं किसी एक स्टेट के अंदर 80 एमएलए थे, 80 असेंबली के लोग थे आपके, उसमें से 79 सीटें तो असेंबली में बैठी थी, एक बंदा नहीं था, एक बंदा, रीजन क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो जाए, वो एमपी चुना जाए, वो कुछ भी हो जाए, मतलब उसकी सीट उस जगह से खाली कर दी गई है, क्योंकि एक जब जगह सीट खाली करी जाती ना, तो 6 महीने के बाद इलेक्शन किया जाता है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करने जरूरी होते हैं, पॉइंट समझ आया। तो हम मान के चलते हैं कि वहां पे वैकेंसी होगी, तो उस चीज को कंसीडर नहीं किया जाएगा पिटीशन फाइल करने के लिए, ये पॉइंट है आपका, पॉइंट समझ आया। अब बात करते हैं आगे आर्टिकल 56 में, हमने 55 तक पढ़ लिया भाई क्या था, किस तरीके का इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट, सीक्रेट बैलेट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया, विद ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो सब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। नाउ द पार्ट इज आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में हम क्या बात करते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, 5 साल। जैसे ही वो राष्ट्रपति जो है भवन में, यानी कि अपने हाउस में चला गया, तो उसी टाइम से उसके 5 साल स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्रपति की डेथ होगी, फिर उसके बाद उसको चुना गया तो उसका रिमेनिंग पीरियड जो है वो चुना जाएगा, नहीं। जब वो राष्ट्रपति सदन में चला गया, राष्ट्रपति हाउस में चला गया, अपनी सीट के ऊपर बैठ गया राष्ट्रपति, तभी क्या होगा, 5 साल का कार्यकाल उसका स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देना हो तो राष्ट्रपति रेजिग्नेशन किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगेन, वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो आपके राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? 57, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ध्यान से समझिए, इलेक्शन की बात कहां पे करी थी हमने, 54 में करी थी, कि इलेक्टोरल कॉलेज है। अगर एक राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है तो इलेक्शन दोबारा लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। वो किसमें लिखा गया है, आपके आर्टिकल 57 में लिखा गया है, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी मर्जी बार चाहे राष्ट्रपति अपना इलेक्शन लड़ सकता है, पॉइंट समझ आया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगातार 2 बार चुने जाने वाले आपके भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, तो वो भी 10 साल बैठे थे। तो मतलब री इलेक्शन का प्रोसीजर भी यहां पे देखने को हमें मिलता है, दैट इज आर्टिकल 57 में देखने को मिलेगा। नाउ द पार्ट इज, राष्ट्रपति को चुनने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन भी चाहिए हमारी, तो वो किसमें गिवन है, आपकी आर्टिकल 58 में गिवन है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है भाई आप लोगों ने, तो क्या चाहिए होंगी क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप भारत के नागरिक होने चाहिए। पहली बात तो हमारे भारत के नागरिक होने चाहिए, और ऑब्वियसली बात है, अब आप किसी चीज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो उसके लिए एज होती है हमेशा, तो इट मीन्स उसके पास मिनिमम 35 साल एज होनी चाहिए, मिनिमम 35 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद जितने मर्जी बड़े हैं आप लोग, वो मैटर नहीं करता, मिनिमम 35 साल एज आपको चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? और दूसरी बात यहां पे ये है कि अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है ना, तो उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने की। ध्यान से समझना है, लोकसभा का मेंबर बनने की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर एग्जामिनर आपको पकड़ लेता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि आप कहते हो कि नहीं, राष्ट्रपति तो अलग होता है, लोकसभा में नहीं बैठता, राज्यसभा में बैठता, वो तो अपना अलग सदन है, उसका अपना अलग बैठता है, तो मतलब क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए होंगी, ऐसे आप दिमाग लगाने लग जाते हो एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान रखना है, लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उसमें चाहिए होगी। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगेन भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वही राष्ट्रपति के लिए चाहिए। बस इतना पॉइंट याद रख लेना कि
उसको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, क्लियर। और उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है यहां पे, कि वो दो पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, दो गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, और अगर है भी है तो कोई मैटर नहीं करता, बट वो दो जगह से सैलरी नहीं लेता होना चाहिए, गवर्नमेंट से सरकार से वो दो जगह से सैलरी ना लेता होना चाहिए। अगर ऐसा होगा ना कि वो दो जगह से सैलरी लेता चला जा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों जगह से सैलरी लेने का मतलब क्या है कि आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। हाँ, हम उसको किसी सदन का, किसी जगह का, किसी जगह का कुछ भी अपॉइंट कर दें वो मैटर नहीं करता, वो कुछ भी कर सके, बट उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, दो जगह से गवर्नमेंट सैलरी नहीं लेता होना चाहिए। ये आपका पॉइंट आता है, पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट देखिए जी, आर्टिकल 59 हमें क्या कहता है, 59 क्या कहता है, द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को चुनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए आपको। तो पॉइंट नंबर वन, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस। मैं आपको पहले ही बताया था, उसको लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसी का मेंबर होना चाहिए। अगर है भी है, अगर वो है भी है तो वहां से उसको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकता है। पॉइंट समझ आया, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस, मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं, जैसे ही वो ऑफिस में आ गया तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, क्लियर। उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि जो भी उसकी सैलरीज होंगी, एमोलमेंट्स होंगे, अलाउंस होंगे, वो सारी चीजें कौन डिटरमाइन करेगा, आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या उसके एमोलमेंट्स, क्या उसको अलाउंस मिलने चाहिए, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए राष्ट्रपति की सैलरी क्या है, राष्ट्रपति की सैलरी क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो भी अगर वो ऑफिस में चला गया, पांच साल के लिए चुना जाएगा, तो उसकी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसमें उसकी सैलरी, अलाउंस, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। पॉइंट समझ आया, उनकी कोई भी इमोलमेंट्स, अलाउंस, कुछ भी जो है डिमिनिश नहीं होना चाहिए जब तक वो ऑफिस में है। उसकी सैलरी कभी कम नहीं हो सकती, उसकी जो भी जो अलाउंस है वो कभी भी कम नहीं हो सकते। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बात यहां पे ये है, चलो भाई राष्ट्रपति को हमने अपॉइंट कर दिया, राष्ट्रपति के पास शक्तियां, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट यहां पे ध्यान रखने वाली चीजें क्या हैं, अगर राष्ट्रपति के पास जो भी प्रिविलेजेस दे रखी हैं उसकी, अगर वो उसी दायरे में रह के कोई कानून, लीगल एक्ट करता है, मतलब कानूनी, कोई कानूनी उसने कुछ चीज इंप्लीमेंट कर दी, उसके ऊपर केस नहीं जाहिर किया जा सकता, उसके ऊपर हम केस फाइल नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, ही इंजॉय द पर्सनल इम्यूनिटी फॉर द लीगल लायबिलिटीज फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, मतलब जो भी ऑफिस में बैठ के उसने काम किया है तो उसके लिए इम्यूनिटी है, उसके लिए उसको सजा कभी भी नहीं मिल सकती। पॉइंट समझ आया, और वो किसी भी क्रिमिनल चार्ज में, वो किसी भी क्रिमिनल चार्ज में जो है कभी भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता। अगर उसके पास सिविल केस चल रहा है, अगर उसके ऊपर सिविल केस चला रहे हो, सिविल प्रोसीडिंग चला रहे हो, तो उसको दो महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ आपके ऊपर सिविल कार्यवाही की जाएगी, तो उसके लिए उसको दो महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। ध्यान रखिए, ध्यान से समझे, इसको मैं क्रक्स में डालता हूं कैसे। देखिए सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति कोई भी क्राइम करता है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, ठीक है, उसको जेल नहीं हो सकती। सिविल केसेस के ऊपर दो महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हम आपके पास, आपके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, तो उसकी कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो क्रिमिनल है, अगर ऑफिशियल एक्ट में उसने, मतलब जब तक ऑफिस में था उसने कोई क्राइम कर दिया, तो वो भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये ध्यान रखना। अगर उसके पास सिविल प्रोसीडिंग्स की बात चल रही है, दो महीने पहले नोटिस दे दिया, अब क्या करेगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पर्सनल अपना लॉयर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या कोई भी देश का लॉयर को हायर कर सकता है, और इस चीज के लिए वो केस लड़ सकता है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। चलिए जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 60 की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या बताता है हमें, ओथ और अफर्मेशन, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। अब बात ध्यान से समझो, राष्ट्रपति की शपथ दिलाएगा कौन, हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। पॉइंट समझ आया, हमें राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, दैट मींस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देते हैं शपथ। चीफ जस्टिस का वर्ड वहां पे अगर नहीं आता, अगर ये वर्ड नहीं आता तो पेपर में वर्ड क्या आएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं तो उनके बाद जो भी जो है आपका सीनियर मोस्ट होगा तो वो उसके ऊपर जो है क्या करेगा, दैट इज उनको शपथ दिलाएगा। अब इस शपथ में क्या लिखा होता है, इस शपथ में क्या लिखा होता है, शपथ में ये लिखा होता है क्या कि अगर मैं देश के पहला सिटीजन बन रहा हूं, मैं अपने भारत देश का पहला नागरिक बन रहा हूं, संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठ रहा हूं, तो मैं इस संविधान को डिफेंड करूंगा, प्रिजर्व करके रखूंगा और हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पेपर में डाल दिया जाता है सीधा का सीधा, ये वर्ड सीधा का सीधा आ जाता है। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है, राष्ट्रपति की शपथ होती है कि मैं संविधान को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिजर्व करके रखूंगा, कोई भी इसके ऊपर कोई भी बात आएगी तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं, तो मैं इसलिए जो है ये चीजें करूंगा। पॉइंट समझ आया, ये बातें इसमें करी जाती हैं। अब बात यहां पे ये है, चलो जी उसने शपथ भी ले ली, अब ऐसा तो है नहीं कि उसको हटाया नहीं जा सकता, अगर हमने उसको अपॉइंट किया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ दिलाई है, हमारे भारत का पहला नागरिक बना है, तो गलतियां तो उसमें भी हो सकती हैं। वो गलती क्या हो सकती है जिसके लिए इसको हटाया जा सकता है, वो हमारा लिखा है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में एक चीज बताओ, शपथ में उसने क्या बोला था, शपथ में उसने यह बोला था कि मैं इस संविधान को प्रोटेक्ट करके रखूंगा, प्रिजर्व करके रखूंगा और डिफेंड करूंगा कि हां इसके ऊपर कोई आंच ना आए। इट मींस अगर उसको हटाना होगा ना तो हटाएंगे क्यों, क्योंकि भाई जो तुमने शपथ ली थी तुम उसके अगेंस्ट चल रहे हो, दैट मींस अगर आप जो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, अगर आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो ना तब आपको हटाया जा सकता है। ये लेकिन बात यहां पर यह है, हमारे संविधान में यह संविधान का उल्लंघन करना वर्ड जो है यह नहीं समझाया गया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही नहीं समझाया गया कि संविधान का उल्लंघन करने का मतलब क्या है। पॉइंट समझ आया, ये याद रखें। अब आर्टिकल 61 में हमने वर्ड यूज क्या किया, इंपीचमेंट, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, महाभियोग। अब सीन यहां पे ये है कि ये जो इंपीचमेंट वर्ड है ना, ये कहां से लिया है हमने, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये ध्यान रखना, ब्रिटेन की कॉन्वेंशन है वहां से हमने ये वर्ड लिया है। अब बात यहां पे ये आ गई कि हमने वायलेशन अगर उसने कर रहा है संविधान को, वो उल्लंघन कर रहा है तो उसको हटाया जाएगा। अब सीन यहां पे ये आ जाता है कि उसका उल्लंघन करना अगर उसने कर भी दिया, संविधान को उल्लंघन कर दिया, तो उसको हटाने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में समझना पड़ेगा कैसे इसको हटाया जा सकता है। ध्यान से समझिए, देखिए मैंने आपको पहले बताया था राष्ट्रपति किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, सो दैट मींस इसको हटाने का जो प्रोसेस होगा वो कोई भी सदन स्टार्ट कर सकता है, इधर हाउस, वो आपका लोकसभा भी स्टार्ट कर सकती है, वो आपकी राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकती है, इनमें से कोई भी सदन जो है इस चीज को स्टार्ट कर सकता है। अब क्या होगा, मैं मान के चलता हूं कि लोकसभा ने इसको हटाने का प्रोसेस स्टार्ट किया, राष्ट्रपति को हम हटाएंगे, लोकसभा वाले लोगों ने कहा। अब एक्चुअली क्या होगा, 1/4 लोग, 1/4 मेंबर ऑफ, 1/4 मेंबर ऑफ लोकसभा के, वो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कि हाँ हम राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं। वो रिटर्न में वो जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा कि राष्ट्रपति हम आपको हटाने जा रहे हैं, और ये 1/4 मेंबर साइन करके दे देंगे। जब ये उसने साइन करके दे दिया तो राष्ट्रपति के पास 14 दिन का टाइम होता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अब ये 14 दिन जो है वो क्या करेगा, अगर करेगा राष्ट्रपति, इन लोगों को मनाएगा कि भाई ऐसा ना करो, या ऐसे क्यों कर रहे हो, या जो भी चीजें हैं, जो भी इनकी आपस में बातें हैं, क्लियर। राष्ट्रपति जो है 1/4 लोगों के ऊपर बात करेगा, 1/4 लोगों ने अगर, मतलब जो अगर राष्ट्रपति ने बात ना करी, सपोज करो 14 दिन निकल के राष्ट्रपति ने बात नहीं करी, 1/4 लोगों की कोई भी सुनी नहीं है, तो क्या करेगा, 14 दिन के बाद ये बिल जो होगा हटाने का, वो सेम हाउस में आएगा। अब ये सेम हाउस हम क्या लेके चल रहे थे कि बिल स्टार्ट किसने किया था, लोकसभा ने, तो इट मींस ये बिल कहां पे आएगा, लोकसभा में आएगा। अब राष्ट्रपति का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हटाने का कि चलो भी इसको हटाओ। अब लोकसभा से क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी से जो भी मेंबर होंगे लोकसभा के, उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी हमें, फिर ये बिल पास होगा कहां पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के पास भी 2/3 मेजोरिटी अगर आपकी पास हो जाती है, 2/3 मेजोरिटी यहां पे, 2/3 मेजोरिटी यहां पे अगर पास हो जाती है, तब हम अपने राष्ट्रपति को हटा सकते हैं।
यहां से समझने वाला पॉइंट ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज समझने वाली है वो क्या है, दो पॉइंट है यहां पे। हटाने का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा, किसी भी सदन से, ऐसा नहीं है लोकसभा से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है राज्यसभा से स्टार्ट होगा, वो किसी भी सदन से स्टार्ट होगा। वो कौन करेंगे, 1/4 मेंबर, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं राज्यसभा के भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, जब भी इसको हटाने की बात करी जाएगी कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी हमें, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत के नाम से इसको जानते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के नाम से हम जानते हैं, विशेष बहुमत के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। यह प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के हटाने का। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति ने अगर अपने आप को डिफेंड करना है तो कोई लॉयर या अटॉर्नी जनरल इसको ले सकता है। अब आप एक चीज बताइए, जो इंपीचमेंट का प्रोसेस हो गया ये कि हम इसको हटाने का प्रोसेस हो गया, तो ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया, ये हो गया क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। क्वासी जुडिशियल का मतलब, क्वासी मतलब होता है हाफ, सेमी, आधा जुडिशियल का प्रोसेस हो गया यहां पे। पॉइंट समझ आया, आधा जुडिशियल मतलब पूरा कंप्लीटली नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है हाँ जी हटा दो, ऐसे नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करी गई है, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करी, सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी हाँ कर दिया, ठीक है भाई हटाओ जो भी प्रोसेस है आपका, चलो। तो दैट मीन्स दिस इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है इसको हटाने का। एक पॉइंट आपको एक चीज याद रखनी है, अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिसके ऊपर इंपीचमेंट जो है पास हो गई चुकी हो या इंपीचमेंट हुई हो। हमने कभी भी किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं किया, इंपीचमेंट नहीं किया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब बात करते हैं 62 नंबर आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल 62 हमें क्या बताता है, वैकेंसी के बारे में। अब वैकेंसी वर्ड का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति की वैकेंसी, मतलब राष्ट्रपति 5 साल के लिए हमने उसको बैठा दिया कि हाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए बैठेगा। अब इसकी वैकेंसी कैसे हो सकती है, या तो डेथ हो जाए उसकी, ठीक है, या उसके 5 साल का कार्यकाल खत्म जो है खत्म हो जाए, या फिर उसका उसने रिजाइन कर दिया हो, या फिर वो किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा हो, या फिर उसके ऊपर महाभियोग का प्रोसेस चल रहा हो, जाने के आपका इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा हो, तब उसकी क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी। डेट मीन्स 5 साल का कार्यकाल, रेजिग्नेशन, इंपीचमेंट, डेथ, फॉरेन कंट्री, कोई भी प्रोसीजर हो सकता है। इन केसेस में अगर वैकेंसी आती है तो क्या होगा, इन केसेस में अगर वैकेंसी आती है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उपराष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी आपके एब्सेंट हैं, तो कौन बैठेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपके, अगेन राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे वहां पे। ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति एब्सेंट हो गया, उपराष्ट्रपति बैठेगा, उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके वहां पे बैठ जाएंगे। अच्छा, ये पूछा जाता है फिर, ऐसा कभी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, हुआ है कब हुआ वो मैं बताता हूं आपको। अगर राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सीट खाली होगी तो उपराष्ट्रपति को बिठा दिया जाएगा, ठीक है, ये जा उसके बाद क्या बिठा दिया जाएगा, अगर ये भी एब्सेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग जो हैं राष्ट्रपति का काम करेंगे, लेकिन कब तक, मैक्सिमम टाइम 6 महीने, मैक्सिमम टाइम 6 महीने। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए दोबारा से। 6 महीने तक ठीक है, कर सकते हैं हम कि हाँ ठीक है 6 महीने आप देख लो, 6 महीने आप अपना राष्ट्रपति की चीजें ले लो और राष्ट्रपति सदन में बैठो, काम करो, जो भी चीजें हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब बात यहां पे ये है, जिन टाइम में जहां उपराष्ट्रपति बैठे हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं एज ए राष्ट्रपति, तो वो जो लोग हैं वो 6 महीने तक अगर बैठे हैं तो उनकी सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस कौन से मिलेंगे, जो उनको पहले मिल रहे थे, नहीं, जो राष्ट्रपति को मिलेंगे, मिलती हैं वही सारी चीजें जो हैं 6 महीने के लिए किसको मिलेंगी, जो के उपराष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। अब बात यहां पर यह है, जब भी राष्ट्रपति आ जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, जब भी राष्ट्रपति नया चुना जाएगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। ऐसा नहीं है कि हाँ जो पहले वाला राष्ट्रपति था वो 2 साल के लिए चुना गया था, या सपोज करो कि उसकी डेथ हो जाती है या कोई भी कारण हो सकता है, तो जो 3 साल का कार्यकाल रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसको 3 साल के लिए चुना जाएगा, नहीं, इसको चुना जाएगा जैसे ही सदन में, जैसे ही अपने हाउस में चला जाएगा, राष्ट्रपति सदन में चला जाएगा, राष्ट्रपति भवन में चला जाएगा, तो हमेशा ये राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाएगा, उसी दिन जिस दिन ऑफिस में बैठ गया 5 साल उसके स्टार्ट हो जाएंगे वहीं से। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब बात ये है, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट हो जाता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा हुआ था एक बार जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ हुई थी, उनकी डेथ के बाद जो वीवी गिरी हैं,
ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट कर दिया गया था, ये राष्ट्रपति की तरह अपॉइंट कर दिया गया था, और ये भी जो है इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था, अपने पद से रिजाइन कर दिया था। जब इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया तो हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया गया। ये केस आपको देखने को मिला था 1969 में हुआ था, जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, तो उसी टाइम पे विवीगिरी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बैठे थे आपके, दैट इज मोहम्मद हिदायतुल्लाह बैठे थे। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे मैंने लिस्ट डाली है पूरे के पूरे राष्ट्रपति की, अभी तक जो राष्ट्रपति रहे हैं। अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है कुछ ही दिनों में, ठीक है, जो भी इलेक्शन होगा, जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो उनका नाम जो है नामांकन हम डाल देंगे कि हाँ इनके राष्ट्रपति चुने गए हैं। जितने भी आपके आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनमें से पॉइंट जो मेन याद रखने आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगातार दो बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, पॉइंट वन नंबर वन। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये वो हैं जिनकी इनकी डेथ जो है इनके ऑफिस में, इनके कार्यकाल में हो गई थी। दूसरा पॉइंट इनका ये याद रखना है आपको, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ वीवी गिरी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, बीडी जट्टी, ये तीन लोग ऐसे हैं जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मतलब अगर जितने भी राष्ट्रपति चुने गए हैं ना, तो उनमें कितने लोग एक्टिंग मतलब प्रेसिडेंट बने हैं, तीन लोग बने हैं, पॉइंट क्लियर। दूसरी बात यहां पे ये है, फकरुद्दीन अली अहमद जो है, ये पढ़ेंगे हम आगे जाके, ये वो राष्ट्रपति हैं जिनके टाइम पे नेशनल इमरजेंसी देखने को मिली थी जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, पॉइंट क्लियर। ज्ञानी जैल सिंह जो है, ये पहले सिख प्रेसिडेंट हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है। और उसके बाद आपको ये लिखा हुआ है, 12वीं प्रेसिडेंट थी हमारी, दैट इज आपकी प्रतिभा पाटिल जी जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी 2007 में, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट क्लियर हो गया। अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, कल को आपके इलेक्शन हो जाएगा तो नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, देख लेंगे। अब यहां पे देखिए जी, जो मैंने पॉइंट्स निकाल के डाले हैं, 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, वीवी गिरी जो है 1969 में एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, और वीवी गिरी जो है एक ऐसे प्रेसिडेंट थे कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वीवी गिरी जीत गए। तो दैट मींस एक ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने एक राष्ट्रपति की तरह काम तो किया है, एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम किया है। मतलब जिस टाइम पे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, और वो इलेक्शन ये जीत गए, और ये जीतने के बाद फिर अपनी सीट के ऊपर बैठ गए। तो दैट मींस एक्टिंग प्रेसिडेंट भी वही है और आपके प्रेसिडेंट भी यही चुने गए हैं। तो दैट मींस वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगातार दो आपके राष्ट्रपति रहे हैं, मतलब लगातार दो बार चुने जाने वाले। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी डेथ उनके कार्यकाल में हो गई थी, क्लियर। 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी पहली विमेन जो है प्रेसिडेंट रही हैं, जो कि आपके ऑफिस में बैठी थी। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, याद करते हैं। 52 नंबर आर्टिकल हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में, 53 हमने पढ़ा था उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, 54 हमने पढ़ा है कैसे इलेक्शन होगा उनका, 55 पढ़ा है किस तरीके से जो इलेक्शन होगा, मतलब पहले 54 में पढ़ा है कि कौन कौन लोग वोट करेंगे, 55 में हमने वो पढ़ा है किस तरीके से इलेक्शन होगा इनका, 56 में इनकी शपथ के और इनके कार्यकाल के बारे में लिखा है, 57 में इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा है, और इलेक्शन की री इलेक्शन की मतलब किस तरीके से दोबारा री इलेक्शन कर सकते हैं, 58 में क्वालिफिकेशन के बारे में, 59 में उनकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, 60 में उनकी शपथ के बारे में, 61 में उनकी राष्ट्रपति की इंपीचमेंट के बारे में, 62 में अगर उनकी वैकेंसी हो जाती है और अगर कोई डिस्प्यूट होगा इलेक्शन का, 71 में देखा जाएगा, और 72 में पार्डन पावर, इनकी शपथ पार्डन पावर क्या होंगी, तो पार्डन पावर के बारे में भी जो है हमने जो लिखा है पार्डन पावर में 73 में, वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पॉइंट समझ आया। सो ये आपके आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अब ये है आपका एमसीक्यू, देखता हूं मैं कितने लोगों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है। ये एमसीक्यू है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इन स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट जो है आपकी कौन सी करेक्ट है, इनमें से स्टेटमेंट जो है आपकी कौन सी करेक्ट है, जल्दी से जल्दी बताइए। यस, पॉइंट नंबर वन, इन द इलेक्टोरल कॉलेज, जो 54 नंबर आर्टिकल में था, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, पॉइंट नंबर वन, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइए।
द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर है उसकी वोट किसके बराबर होगी, इक्वल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ये इसके बराबर होगी। बताइए इनमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको मैंने बताया था जब भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर आपने वोट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 1/1000 था, यहां पे 1/100 नहीं था, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरी बात हमने बात करी थी, अगर एमपी की पार्लियामेंट की वोट निकालनी है तो जितने आपके एमएलए लोग हैं उनकी वोट को इकट्ठा करो और डिवाइड कर दो जो भी हमारे इलेक्टेड एमपीज हैं, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट आपका गलत है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, ओनली सेकंड इज द करेक्ट। अच्छा, देयर वर मोर देन द 5000 मेंबर इन द लेटेस्ट इलेक्शन, ये पॉइंट गलत है, ये भी आपका पॉइंट गलत है, ये 5000 मेंबर ये पॉइंट हमेशा ऐसे गलत होते हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा, आंसर नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू इज द राइट वन, ओनली टू। अब देखिए जी क्या है आंसर नंबर बी, अब यहां पे देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए क्या बनेगा, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाय 1000, मैंने आपको बताया था जो ऑप्शन में क्या था 100 था, पॉइंट समझ आया, ये गलत हो गया। एमपी की वोट निकालनी है तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएस ऑफ ऑल द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड, ये ऑप्शन आपका सही था वहां पे, समझ आया आप लोगों को। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, शाबाश, देखता हूं मैं इसका आंसर दे पाएंगे आप लोग। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में आपका स्टेटमेंट है, कंसीडर करना है इसमें स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पॉइंट नंबर वन देखिए, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एक जो एमएलए की वोट होती है उसकी वैल्यू जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा, ये भी बताइए। दूसरा पॉइंट बताइए, ये सही है या ये सही है या दोनों सही है या गलत है, तो इनमें से आपको बताना है, स्टेटमेंट कंसीडर करनी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पॉइंट नंबर वन देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, ये बिल्कुल सही है। क्यों वेरी करेगी, क्योंकि पॉपुलेशन डिफरेंट है, लोकसभा की सीटें डिफरेंट है, आपकी असेंबली की सीटें डिफरेंट है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एमपी की वोट को हमने अगर निकालना था तो हमने बोला था कि जो भी आपकी टोटल वोट होंगी, टोटल वोट्स वैल्यू होगी, क्लियर, आपकी एमएलए की डिवाइडेड कर देंगे हम इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर देंगे, उससे हम एमपी की निकालेंगे। हमने ये तो बोला ही नहीं था कि लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं या राज्यसभा की बात कर रहे हैं, हम तो दोनों के लिए बात कर रहे थे, तो ये पॉइंट आपका सीधा का सीधा गलत हो जाता है। तो इट मीन्स आंसर क्या बनेगा, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, पहला ही पॉइंट आपका करेक्ट बनेगा, दूसरा पॉइंट आपका गलत है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, सो आंसर इसमें देखिए जी क्या बनेगा, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए डिवाइड इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, स्टेट की पॉपुलेशन हमेशा डिफर करेगी राज्य टू राज्य, और जो भी है ये आपकी डिफर करेगी। उसके बाद वोट एमपी की निकाली थी हमने, तो कैसे निकाली थी मैंने आपको बता दिया, एमएलए की टोटल सीटों को वैल्यू को डिवाइड कर दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो इससे हमारी वैल्यू जो होगी वो सेम आएगी दोनों की। पॉइंट समझ आया, कल हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक दैट इज पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं, हमारे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि आपको एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब कोई भी चीज को लागू करना है वो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। दूसरी बात है लेजिस्लेटिव पावर, विधान पालिका शक्तियां, लेजिस्लेटिव विधान पालिका मतलब क्या हुआ, कानून बनाने वाली शक्तियां जो होती हैं, विधान पालिका वाली शक्तियां, दैट इज इन द लेजिस्लेटिव। फाइनेंशियल की बात करें तो पैसे के रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, फाइनेंस के रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, टैक्स के साथ रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, इसके लिए वो फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, वो हम डिस्कस करें आगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर में ये क्या होता है, जैसे किसी को माफ कर दिया, किसी की सजा कम कर दी, वो किस टर्म को क्या यूज करते हैं वो यहाँ पे हमें पता चलेगा। डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब ये होता है, डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे भारत देश से
बाहर के देशों में अंबेसडर अपॉइंट किए जाते हैं आपके, दैट इज जो है राजदूत अपॉइंट किए जाते हैं, हाई कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो हमारे कहां से किए जाएंगे, दैट इज इन द डिप्लोमेटिक पावर्स में से। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं यहां पे मिलिट्री पावर, जैसे कि आपको सबको पता होगा दैट इज आपके आर्म्ड फोर्सेस के चीफ कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ये बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, डिटेल में अभी हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये तो देखिए इन पावर्स में जो आज के लेक्चर में होगा ना, तो हम ये डिस्कस करेंगे, दैट इज ये छह पावर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक पावर और भी है, दैट इज इमरजेंसी पावर। ये इमरजेंसी पावर जो हम डिस्कस करेंगे ना, ये कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करना है। इमरजेंसी छोटा पार्ट नहीं है, इमरजेंसी अपने आप में एक टॉपिक है। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ये कल डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है आपका क्या है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो चलते हैं आगे। एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती हैं, शक्तियां क्या होती हैं हमारे राष्ट्रपति की। अगर मैं एग्जीक्यूटिव पावर की बात करूं, कल आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 53 नंबर आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 53 में हमने डिस्कस क्या किया था कि जितने भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, जितना भी काम हमारे देश में लगाया जाता है, लागू किया जाता है, वो किसके नाम से लेके किया जाता है, दैट इज इन द आर्टिकल 53, और राष्ट्रपति के नाम पे लिया जाता है। जितने भी कार्यपालिका शक्तियां के आपके एग्जीक्यूटिव पावर के काम होंगे, जो भी होगा, एंड में नाम किसका लगना है, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करने वाले हैं, साइन करने वाले हैं। तो इट मींस साइन बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपके साइन होंगे ना, तो दैट मींस उसमें आपकी उसमें आपने हां बोली है। तो इट मींस यहां पे भी क्या हो रहा है, राष्ट्रपति एंड में साइन करेंगे तो राष्ट्रपति के नाम पे बिल फटेगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो राष्ट्रपति के नाम पे जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो लगेंगी। दूसरी अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जो होता है, हमारे देश की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको अपॉइंट करते हैं, वो देश की बड़ी बड़ी हस्तियां कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75(1)(a) में लिखा गया है प्रधानमंत्री और उनके जो है आपके मंत्रिपरिषद को अपॉइंट करना, इनका 75(1) में लिखा गया है। अब एक चीज देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट जब करेंगे, वो किसको अपॉइंट करेंगे, पहली बात तो राष्ट्रपति किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर हो, किसी भी सदन का हो सकता है। अगर दोनों सदनों में से भी ना हो तो अब भी किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति, क्लियर। लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है एमपी बनना होना चाहिए, कि आपका लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होना चाहिए, तो उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, लोकसभा के अंदर जिसके पास मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, कल भी समझाया था मैंने, 50%+1 वोटें जो होती हैं, जिसके पास 50%+1 वोट देखने को आपको मिलती है, उसके पास जो है उस पर्सन को हम अपॉइंट क्या कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, उस पार्टी के लीडर को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, पॉइंट क्लियर। और जब भी मंत्रिपरिषद को आपके अपॉइंट किया जाएगा, मंत्रिपरिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, वो हमेशा किससे सलाह करके अपॉइंट किया जाएगा, हमेशा प्राइम मिनिस्टर से सलाह करके इसको अपॉइंट किया जाएगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अगेन आपको मैंने बताया हुआ है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में कितने लोग रख सकता है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में 15% ऑफ लोकसभा सीटें रख सकता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में 15% ऑफ द लोकसभा सीटें रख सकता है, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा यह बोला गया था, पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, अटॉर्नी जनरल जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है, इसको अपॉइंट करना 76 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है। कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 में लिखा गया है। कैग का मतलब क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना, उनकी रिपोर्ट बनाना, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को दे देना, राष्ट्रपति आगे पार्लियामेंट में पेश करते हैं, वो कौन करता है, आपका कैग करता है। जितने भी आपके, जैसे हमारे देश में चुनाव आयोग होते हैं, मुख्य चुनाव आयोग, तो आपके इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट करने की अथॉरिटी जो है वो है राष्ट्रपति। जितनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं उनको सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, ये याद रखना, समझ आया। चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इसको कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति, 324 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। दूसरी बात यहां पे ये है, हमारे देश में पहले एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, फिर दो उनकी सहायता करने के लिए अपॉइंट कर दिया, दैट इज अदर इलेक्शन कमिश्नर, और वो कितने हैं, दो हैं,
पॉइंट समझ आया? तो टोटल इलेक्शन कमीशन कितने हो गए? तीन हो गए। अब एक था, तीन कैसे हो गए? एक अमेंडमेंट हुई थी इसके लिए। अमेंडमेंट कौन सी थी? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो के लागू हुई थी 1989 में। और इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो वोटिंग एज है ना 21 साल से 18 साल हुई थी, ये ध्यान रखना। 21 साल से 18 साल हमारी वोटिंग एज हुई थी। अब बात ये है 21 साल से 18 साल जो वोटिंग एज हुई थी, अगेन अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट एक्ट, और ये आर्टिकल किस में लिखा गया है? 326 में लिखा गया है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कह देते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के नाम से भी जानते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति 18 या 18 प्लस वाला व्यक्ति होगा तो उसको ऑब्वियसली बात है मतलब वोट देने का हक है। तो ये सारी बातें कहां पे करी गई हैं? यहां पे करी गई हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर दिया हमने, अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर दिया। यूपीएससी के मेंबर जो ब्यूरोक्रेट होते हैं और प्लस जो है अपने ब्यूरोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए यूपीएससी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स को भी ये अपॉइंट करते हैं। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी ये अपॉइंट करते हैं। ये जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात आई है ना, वो है क्या? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात है वो है क्या कि जैसे कि सपोज करो कि दो या दो से ज्यादा राज्य कह दे कि हाँ आप हमारी एग्जाम लीजिए, ठीक है, हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाइए, हमारी ब्यूरोक्रेसी को आप देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस चीज को देख सकती है और उसके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। संयुक्त जो है आपका लोक सेवा आयोग, जितने भी फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स चेयरमैन होंगे वो अपॉइंट करेंगे, गवर्नर जो है राज्यपाल वो अपॉइंट करेंगे, मतलब उनको अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके द्वारा, एससी एसटी एंड ओबीसी जो कमीशन है आपका उन्हीं के चेयरमैन को जो है इन्वेस्टिगेशन, मतलब कमीशन को इन्वेस्टिगेशन करना, चेयरमैन को अपॉइंट करना सिर्फ और सिर्फ जो है इनका काम होता है। जितने भी इंटर स्टेट काउंसिल बनाना, यानी कि दो हमारे जो राज्य होते हैं, जो हमारे राज्य होते हैं उनको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाना, राज्य मतलब अंतर राज्य परिषद बनाना, दैट मींस एक राज्य को दूसरे राज्य से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरे को तीसरे से नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाना और आपस में मिलके भाईचारा बना के काम करना वो इनके पास होता है और ये काम करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर। ध्यान से समझना है, अपॉइंटमेंट करना किसी को भी, राष्ट्रपति अगर अपॉइंट कर रहा है ना तो वो कौन सी पावर में आ रहा है उसकी? दैट इज इन द एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियों में आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पे, देखिए जी कोई भी चीज है, अगर आपने लेजिस्लेशन करना है, ठीक है, कानून बनाना है, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी राष्ट्रपति काम करेगा वो एडवाइस लेता रहेगा बीच में किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में करता रहेगा, काम करेंगे, तो हमेशा बात किसके साथ मिलके होती है, वो सारी चीजें लागू किसके साथ होती हैं? ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति साइन करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर तो उनके पास है, मतलब कार्यपालिका शक्तियां उनके पास है। मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल 53 नंबर आर्टिकल में क्या बताया था, जब तक वो चीज लागू नहीं होती ना तब तक मतलब कुछ भी नहीं होगा। लागू करने का मतलब क्या है? आर्टिकल 53, और वो नाम बिल किसके नाम पे फटेगा? दैट इज अगेन प्रेसिडेंट के नाम पे फटेगा। तो इसीलिए कोई भी अगर कानून बन रहा है, लेजिस्लेशन बन रही है, प्रपोजल है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर करेंगे, लेकिन उसके साथ जो है इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी? आपको राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था दैट इज जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं आपके वो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं, ये ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए जी क्या होता है, कोई भी डिसीजन एक मंत्री ने लिया हो, ठीक है, या प्रधानमंत्री ने लिया हो, या फिर मंत्री परिषद ने लिया हो, पॉइंट समझिए ध्यान से, कोई भी जो चीज है, डिसीजन है, चाहे मंत्री ने लिया हो, ठीक है, एक मिनिस्टर ने लिया हो, एक प्रधानमंत्री ने लिया हो, या मंत्री परिषद ने लिया हो, अगर ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं तो हमेशा ये चीज राष्ट्रपति को पता होनी चाहिए कि क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। और राष्ट्रपति के टेबल के ऊपर, राष्ट्रपति के टेबल के ऊपर का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को कौन बताएगा? हमेशा जो है आपके प्रधानमंत्री बताएंगे, ये याद रखना। और डिसीजन जो है, चाहे आप कुछ भी ले लो डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति को पता होना चाहिए। पॉइंट समझ आया?
गया। तो ये चीज सबमिट कौन करता है राष्ट्रपति के पास, प्राइम मिनिस्टर सबमिट करते हैं, ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में देखने को मिलता है। अगेन मैंने आपको अभी बताया था एससी एसटी ओबीसी जो भी कमीशन होंगे उनको अपॉइंट करने की अथॉरिटी, उनके कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी जो है वो राष्ट्रपति के पास आती है। तो यहां पर देखिए जी एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी इन कमीशन को अपॉइंट कौन करने वाला है, राष्ट्रपति अपॉइंट करने वाला है। अब देखो एससी एसटी ओबीसी को तो कर दिया अपॉइंट, ठीक है। अब अगर किसी एरिया को हम बात करते हैं स्केड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित एरिया, ये स्केड्यूल्ड एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, ठीक है, जो जनजाति होते हैं ना हमारे लोग जो होते हैं जनजाति पुराने जो टाइम से वनों में रह रहे हैं जंगल में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो उनका इन्वायरमेंट हो गया, वो उसी इन्वायरमेंट में रहेंगे और उनका है वो, ठीक है। अगर आपको याद होगा पैसा एक्ट दैट इज पंचायत टू द एक्सटेंशन पंचायत टू पंचायत टू द स्केड्यूल्ड एरिया एक्सटेंशन एक्ट जो आपका 1996 का आया था, उसमें सारे उनके ट्रेडिशनल राइट को रखना और अपने अपने इन्वायरमेंट को बना के रखना, अपने लोग को एक चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं वो सभी, लेकिन उस एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया घोषित कौन करेगा, अनुसूचित एरिया घोषित कौन करेगा, हमेशा राष्ट्रपति घोषित करेंगे, ये याद रखना। पॉइंट समझ आया, ये सारी चीजें किसके पास आती हैं, राष्ट्रपति के पास आती हैं, ये उस चीज को कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। अब बात यहां पे ये है कि ठीक है, मतलब हमने स्केड्यूल्ड एरिया को बना दिया, राष्ट्रपति ने स्केड्यूल्ड एरिया को बना दिया, लेकिन बात यहां पे ये भी आ जाती है अगर वहां पे शांति बना के रखनी है, पीस बना के रखनी है, रेगुलेशन करना है प्रॉपर तरीके से, आपको गुड गवर्नेंस करनी है आपको, तो उस केस में कानून कौन बनाएगा, रेगुलेशन कौन बनाएगा, आपका गवर्नर बनाएगा यानी कि राज्यपाल बनाएगा। उस एरिया में शांति बना के रखो, कानून प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करके रखो, और वो कौन करने वाला है, आपका गवर्नर यानी कि उस स्टेट का राज्यपाल करने वाला है। राज्यपाल तो कर देगा, लेकिन ये राज्यपाल का डिसीजन कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा जब तक वो राष्ट्रपति से कंसीडर नहीं करेगा। दैट मींस जो भी वो डिसीजन लेने वाला है राष्ट्रपति को बताएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट क्यों है, क्योंकि अपने वो लोगों को अपॉइंट कर देता है। जैसे कि गवर्नर की बात करूं, गवर्नर को स्टेट में कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसने यूनियन टेरिटरी में अपॉइंट कर दिया। सो इसीलिए वो लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति को बताते रहते हैं कि हम उस एरिया में क्या डिसीजन लेंगे। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति सभी एरियाज में जो है अपना डिसीजन ले सकता है कि कोई भी, मतलब कोई भी एरिया हो, वो एरिया, ये एरिया, यहां पे, यहां पे, मतलब इंडिया में अपनी इतनी स्टेट्स है, इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें डिसीजन जो ले सकता है वो राष्ट्रपति अकेला तो नहीं ले सकता। हां, राष्ट्रपति के सामने अगर कोई चीज आएगी तो डिसीजन जरूर ले लेगा। वो डिसीजन कैसे लेगा कि जब गवर्नर उसके सामने वो चीज को पेश करेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इंटर स्टेट काउंसिल को चेयरपर्सन को अपॉइंट करना ताकि हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बनती रहे, तो वो भी राष्ट्रपति आपका करता है, ये याद रखें, क्लियर। चलिए जी, अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करना यूनियन टेरिटरी के, ये भी हम आपको मैंने डिस्कस कर दिया। अगेन आपको बता दिया राष्ट्रपति किसके एडवाइस के मिलके काम करेगा, मंत्रिपरिषद की, जो आर्टिकल 74 में लिखा गया है, जो भी मंत्रिपरिषद जो है एडवाइस देगा उसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति काम करेगा। ये ऑलरेडी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। देखिए लेजिस्लेटिव पावर से आगे जाने से पहले हम रिकॉल करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में हमने डिस्कस क्या किया है। एग्जीक्यूटिव पावर में पहले आईज क्लोज करो कि हमने पढ़ा क्या है। पॉइंट ध्यान से, जैसे मैं बोलता हूं ना इस तरीके से पढ़ने की कोशिश किया करो, आईज क्लोज करो। पहले तो हमने लिखा कि हमने अपॉइंटमेंट करते हैं, किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, देखिए जी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सबकी अपॉइंटमेंट करी जाती है, वो आगे भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कैग की अपॉइंटमेंट करनी, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करनी, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करनी, फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट करनी, एससी एसटी ओबीसी जो भी कमीशन है उनके चेयरपर्सन को, इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करना, क्लियर हो गया आप लोगों को। और जो भी एरिया को एससी एसटी घोषित करना है वो राष्ट्रपति घोषित करेगा। उसके बाद जो है ये सब चीजें आपकी एग्जीक्यूटिव पावर में देखने को मिलती हैं। और कोई पॉइंट बताइए, और कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ गए हम। यस, यूपीएससी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। कोई भी काम होगा हमेशा जब भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन ले रहा है, एक मंत्री डिसीजन ले रहा है, मंत्रिपरिषद डिसीजन ले रहा है, चाहे एक प्रधानमंत्री डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन जो है वो किसको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति को पता होना चाहिए। जब तक राष्ट्रपति को नहीं पता तब तक वो चीज लागू नहीं होगी। हाँ, कोई भी चीज लागू होगी राष्ट्रपति के नाम के ऊपर बिल फटेगा, ये क्लियर है आपके सामने। पॉइंट समझ आया। सो ये है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। नाउ द पार्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है, विधान पालिका शक्तियां, कानून बनाने वाली शक्तियां, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर में हम बात क्या करते हैं, देखिए जी,
पहली बात तो आपको बताना चाहिए, राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट का एक पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में लिखा गया है। पार्लियामेंट के तीन चीजें होती हैं, क्या? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 होता है, कल डिस्कस किया था। राज्यसभा के बारे में काउंसिल ऑफ स्टेट जो है आपका आर्टिकल 80 है, लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 देखने को आपको मिलता है। अब बात यहां पे ये है, सदन को समन करना हो, समन करने का मतलब क्या होता है कि सदन को बुलाना, चाहे एक सदन को बुला रहा है राष्ट्रपति, चाहे वो दोनों सदनों को बुला रहा है, समन करने की पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर होती है। दूसरा होता है प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब क्या होता है, जैसे सेशन चलता है, सेशन का मतलब क्या है यहां पे, बजट मॉनसून एंड विंटर सेशन। बजट मॉनसून एंड विंटर सेशन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दैट इज सेशन होते हैं, और इसमें पर्टिकुलर जो है आपकी डिस्कशन करी जाती है यहां पे। जी बिल्कुल ठीक है, बजट मॉनसून एंड विंटर सेशन देखने को आपको मिलते हैं और इसमें प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करी जाती है। बजट जैसे फरवरी से अगर हम बात करते हैं, फरवरी से मई तक, जून जुलाई अगस्त आपका मॉनसून वाला, विंटर वाला, नवंबर दिसंबर वाला, ऐसे। अब सेशन को स्टार्ट करना, सेशन को खत्म करना, वो किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। बुलाना सेशन को, अगेन समन हो गया, हटाना खत्म करना, दैट इज अ प्रोरोग हो गया। अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व का मतलब भंग करना, भंग करने का मतलब यहां पे ये होता है, या तो प्रधानमंत्री के पास उतनी मंत्रिपरिषद नहीं है, सॉरी प्रधानमंत्री के पास जो है आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब मेजोरिटी नहीं है उसके पास, मेजोरिटी वर्ड का मतलब यहां पे क्या होता है, बहुमत, उसके पास बहुमत नहीं है, यानी कि 50+1 सीटें उसके पास नहीं है, तो उस सदन को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये बात होती है लेजिस्लेटिव पावर में। अगेन सेशन को बुला लेता है, अब राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन भी बुला सकता है, उसको समन करने की पावर भी जो है आपकी लेजिस्लेटिव पावर में आती है। ज्वाइंट सेशन जो लिखा होता है आर्टिकल 108 में लिखा होता है। अब बात करते हैं ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक बिल होता है, एक बिल है, एक बिल की जो लाइफ होती है, देखिए बिल का मतलब क्या है, एक जस्ट प्रपोजल, बिल का मतलब क्या होता है, एक प्रपोजल होता है। अब बात करें, बिल का मतलब एक प्रपोजल है, प्रपोजल में लिखा होगा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है। अब ये बिल की कहां पे आएगा, सपोज करो लोकसभा में आया, ये वहां कहां पे जाएगा, फिर आगे राज्यसभा में जाएगा, किसी भी तरीके से पास हो गया, राज्यसभा ने कुछ बदलाव कर दिए, चेंज कर दिए, यहां पे जाएगा, इसने कुछ माना कुछ नहीं माना, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, ये चलता चला जाएगा, ये इतना इतना देर कहां कितना घूम सकता है, ये 6 महीने घूम सकता है, 6 मंथ। 6 महीने के बाद ये बिल खत्म हो जाता है, डेट मीन्स डेडलॉक हो जाता है, और जब ये बिल डेडलॉक हो गया ना, खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति को लगे कि हाँ अगर हमें बुलाना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा को बुलाना चाहिए, तो वो क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग करता है, ज्वाइंट सेशन करता है, और ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल नंबर क्या होता है, 108 होता है। ज्वाइंट सिटिंग को समन करना, ज्वाइंट सिटिंग को समन करना, मैंने आपको बताया था समन करने का मतलब होता है बुलाना, किसी को बुलाना, ठीक है, सदन को बुलाना, ऑफिशियली बुलाना, दैट इज कॉल्ड समन। तो ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग के अंदर जो चेयरमैन होते हैं ना, अध्यक्ष जो होते हैं, वो कौन होते हैं, दैट इज आपका लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर एब्सेंट हो जाते हैं तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा आपके होंगे यहां पे, क्लियर। लोकसभा स्पीकर भी एब्सेंट, डिप्यूटी लोकसभा स्पीकर भी अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो आपका जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, उनके जो कोई भी मेंबर होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा और यहां पे चेयरपर्सन उसको बिठा दिया जाएगा यहां पे। सो ये आपका पार्ट होता है ज्वाइंट सिटिंग का। अभी तक जो है हमारे संविधान में, हमारे देश में 3 बार जो है आपकी जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है, वो ज्वाइंट सिटिंग जो हुई है, जैसे कि आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बिल 1960 एक्ट जो, देखो बिल आया 1960 में और हमेशा जो एक्ट होता है वो नेक्स्ट ईयर ही लगता है मैक्सिमम, दैट इज इन द 1961 एक्ट आ गया 1961 का। बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल जो है 1977 और एक्ट पूछा तो 1978। पोटा जो था ये आपका 2002 में था। सो ये जो चीजें हैं यहां पे आपकी राष्ट्रपति की क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। तो ज्वाइंट सिटिंग करवाना ये राष्ट्रपति की पावर है और 3 ज्वाइंट सेशन हुए हैं हमारे देश में। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, जब भी हमारा सेशन चलता है राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार हमारी जो पार्लियामेंट होती है ना उसको उन्होंने मिनिमम 2 बार मिलना जरूरी होता है। वो 2 बार कब कब मिलते हैं, एक तो जब आपका सेशन स्टार्ट होता है,
बजट सेशन, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर हम बात करें फरवरी साल के स्टार्टिंग में कौन सा मंथ आता है, फरवरी आता है, तो ऑब्वियसली बात है वो हमेशा क्या करेंगे, बजट सेशन में जो है आपका जो है मिलते चले जाएंगे, उनको बजट सेशन में आपको मिलेंगे, यहां पे बजट सेशन में, पॉइंट क्लियर हो गया, बजट सेशन में मिलेंगे आपको, क्लियर। और उसके बाद एक सेशन जो होगा वो होगा जो फिक्स होता है कि अगर इलेक्शन हुए हो, इलेक्शन होने के बाद सेशन जो भी होता है तो उसमें राष्ट्रपति आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इन दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप जो है 6 महीने का हो सकता है, तो दैट मीन्स 6 महीने के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति को 2 बार मिलना जरूरी है। राष्ट्रपति जो है 2 बार मिलेगा, जरूर मिलेगा, किसको मिलेगा, पार्लियामेंट को 2 बार मिलेगा ही मिलेगा, यह पॉइंट याद रखना, क्लियर। अगर याद होगा राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अंदर जो है लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और कितने लोगों को, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ये उनकी किसी एक्सपर्टीज से जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। वो कौन कौन सी एक्सपर्टीज है, ये एक वर्ड याद रखना, क्लास, ये क्लास वर्ड याद रखना तो आपको याद रहेगा, क्लास में सी भूल जाओ, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट्स, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल सर्विस। यहां पे देखो साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, मतलब विज्ञान से, कला से, आपका साहित्य से, और आपकी जो भी आप सोशल सर्विस कर रहे हैं उससे आप लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है यहां पे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया, वो उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में आ गया, क्लियर। अब बात यह होती है, कल भी मैंने आपको समझाया था, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि उनको हटाने के बारे में, कि मतलब उनकी क्वालिफिकेशन योग्यताएं मैच नहीं करती, आर्टिकल 102 में लिखा गया है। और आपको बताया था डिसक्वालिफिकेशन जो होती है ना, हटाने की जो बात होती है वो 2 तरीके से होती है, एक तो क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी योग्यताएं जो लिखी हुई थी संविधान का इलेक्शन लड़ने के लिए लिखी हुई थी वो मैच नहीं कर रहे, या तो क्वालिफिकेशन की होगी, या फिर उसने पार्टी को धोखा दिया हो, पार्टी को डिफेक्ट किया हो, पार्टी को डिफेक्शन किया हो। पार्टी डिफेक्शन करना मतलब क्या है, पार्टी को चेंज करना, बदलाव करना, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जब भी उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती, मतलब क्वालिफिकेशन लोकसभा की लगा लो फॉर एग्जाम्पल, क्वालिफिकेशन नहीं मैच कर रही, कैसे, लोकसभा का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यही सभी चीजें चाहिए। तो अब बात करते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच नहीं कर रही, अगर क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती ना तो उसको हटा दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 102, मतलब उस एमपी को हटा देंगे। कौन करेगा इसको, राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति किसके साथ बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बात करके उसको हटा देंगे कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, आप मतलब ये क्वालिफिकेशन आपकी मैच नहीं हो रही, पॉइंट क्लियर। दूसरी अगर मैं बात करूं पार्टी डिफेक्शन का मतलब क्या है कि आप जीत गए थे, आपने सपोज करो एक्स पार्टी से जीता और आप जीत के वाई पार्टी में चले गए, मतलब ए पार्टी से जीता बी पार्टी में चले गए, इस चीज में तो आपने क्या किया, डिफेक्ट किया, और इसके लिए आपका एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, दल बदलने के विरुद्ध कानून होता है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लिखा गया है ये, और जिसका मतलब है आपका 10वीं अनुसूची 10th स्केड्यूल है, ये याद रखना है आपको, क्लियर। ये आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक अमेंडमेंट और हुई थी, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में कितने लोग रख सकता है, 15% ऑफ द लोकसभा सीटें रख सकता है। ऐसे ही आपका चीफ मिनिस्टर जो होता है वो भी अपनी मंत्रिपरिषद का 15% सीटें रख सकता है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब बात क्या है कि जब उसने पार्टी चेंज करी, पार्टी में बदलाव किया, तो उसमें कौन हटाएगा, किसको कौन हटाएगा। अब पॉइंट देखिए जी क्या है, अब एक चीज देखो, मैं यहां पे खड़ा हूं, आप सामने हैं, आप यहां बैठे थे, आप यहां से उठ के यहां आ गए, तो मतलब क्या हुआ, आपने यहां से पार्टी उठा के यहां पे चेंज कर दिया, तो इस चीज को देख कौन रहा है, मैं देख रहा हूं ना कि आप यहां बैठे थे, आप यहां के कैसे आ गए, मतलब ऑब्वियसली बात है जब भी आप पार्लियामेंट में जाएंगे ना तो आपकी जो आपकी पार्टी होगी ना, आपके पार्टी के सारे सदस्य एक साइड बैठे होते हैं, दूसरे के दूसरी साइड बैठे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मैंने वहां देखा था, वहां से उठ के यहां आ गए, तो मुझे लगेगा कि आपने पार्टी चेंज कर ली, जब पार्टी चेंज कर ली ना तो देख कौन रहा है, सामने सामने कौन होता है, चेयरमैन,
दैट मींस जब भी आप डिफेक्शन करते हैं, जब लोग डिफेक्शन करते हैं, एमपी डिफेक्शन करते हैं, तो चेयरमैन जो होंगे ना वो उसको हटा देंगे। अगर लोकसभा के अंतर्गत कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा स्पीकर उसको हटा देंगे कि हाँ आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये आर्टिकल 102 में चीजें लिखी गई हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये आपको क्लियर हो चुका है आर्टिकल 102 के बारे में पूरा डिटेल में, जो मैंने आपको भी बता दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करते हैं बजट, बजट जो होता है ये हमारे पार्लियामेंट में आता है, राष्ट्रपति की परमिशन से आता है। जब तक राष्ट्रपति की परमिशन नहीं होगी तो बजट नहीं आएगा। और ये बजट हमेशा कहां पे पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और इस बजट को पेश कौन करता है? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं अंडर आर्टिकल 112 नंबर आर्टिकल में। हमेशा राष्ट्रपति जो है परमिशन, राष्ट्रपति से परमिशन लेके हम बिल को पेश करते हैं। और इसको हम और क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या हो गया? एक साल की जो है वित्तीय स्टेटमेंट देखने को आपको मिलती है। वित्तीय का मतलब क्या है? पैसे का लेन देन है यहां पे। अब बात यहां पे यह है, बजट में लिखा क्या होता है? बजट में हमेशा लिखा होता है वेज एंड मींस, मतलब कहां से पैसा आएगा और किस तरीके से पैसा आएगा। वो पैसा जो आएगा कहां पे खर्च किया जाएगा, कहां पे लगाया जाएगा, और रेवेन्यू कहां से आएगा, एक्सपेंडिचर कहां पे होगा, वो सब चीजें किसमें लिखी होती हैं? आपके बजट में लिखी होती हैं, वेज एंड मींस। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये भी राष्ट्रपति की परमिशन से आएगा। अगर आपने नया राज्य बनाना है, अगर आपने नया राज्य बनाना है आर्टिकल 3 के अंतर्गत लिखा गया है, क्लियर? आर्टिकल 3 में तो उसमें लिखा क्या गया है कि अगर आपने कोई भी नया राज्य बनाना है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट में बिल पास होंगे, वहां पे पार्लियामेंट में बिल पास होंगे, लेकिन उसको करने के लिए अगेन परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी कि हाँ हम नया राज्य बनाने जा रहे हैं? तो राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब तक राष्ट्रपति आपकी परमिशन नहीं देंगे वो बिल स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान से समझिए, एक चीज आपको क्लियर करनी है यहां पे, हर चीज करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बिल उसके नाम पे फटेगा। मतलब ये वर्ड मतलब इसलिए यूज करता हूं, बिल उसके नाम पे फटेगा, इसका मतलब यहां पे ये है कि बिल उसके नाम पे फटेगा क्योंकि उसने साइन करने हैं, राष्ट्रपति ने साइन करने हैं। पॉइंट समझ आया? ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अब पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे, ज्वाइंट सिटिंग और राज्य बनाना। ज्वाइंट सिटिंग में अगर राष्ट्रपति ने समन कर दिया उसमें बिल पास किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है तभी तो बुलाया दोनों को। और स्टेट को भी अगर बनाना है, नए राज्य को बनाना है, तो पार्लियामेंट बिल पास करेगी। तो दोनों केसेस में, ज्वाइंट सिटिंग वाले केस में और राज्य बनाने के केस में, पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास किया जाता है, साधारण बहुमत से, दैट इज 50%+1 वोटों से अगर आपने बिल पास कर दिया तो वो लागू हो जाएगा, वो चीजें लागू हो जाएगी। पॉइंट समझ आया? तो अगला पॉइंट देखिए, एक बिल को एक्ट बनाना है। देखो ये अगेन वही चीज आ गई, बिल को एक्ट बनाना है। बिल क्या है? एक प्रपोजल है। एक्ट क्या है? कानून। तो कानून बनाने वाली शक्तियां, एंड में साइन करने वाली शक्ति इसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो दैट मींस ए बिल बिकम एन एक्ट विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे वो एक्ट नहीं बनेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? यह हमने डिस्कस कर लिया जी। अगला देखिए, राष्ट्रपति जो होता है जब बिल उसके पास आ गया, जब उसके पास बिल आ जाता है तो उस चीज को वो रिकंसिडरेशन करने के लिए भेज सकता है वापस। मतलब मैं सपोज करो कि मैं राष्ट्रपति हूं, मेरे पास बिल आया, मैंने देखा, मैं मुझे समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है, मैंने दोबारा भेजा कि दोबारा से चेक करो। जब भी मैं रिकंसिडरेशन के लिए भेजता हूं ना तो वो विटो होती है, एंड दैट विटो पावर इज सस्पेंसिव विटो। सस्पेंसिव विटो ये आपकी कार्यपालिका शक्तियां में भी आता है, सॉरी लेजिस्लेटिव में भी आता है, और वीटो पावर में भी आता है। और वीटो पावर भी मैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं मतलब नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे जब हम वीटो पावर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जब भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, मैंने बोला कि हाँ ठीक है जाओ बिल देखो दोबारा बताओ क्या है, अब उन्होंने क्या किया, पास कर दिया बिल, उन्होंने बिल पास करके दोबारा से मेरे पास भेज दिया। अब जब मेरे पास बिल आ जाएगा ना तो मैं उसको साइन करने के लिए बाध्य हूं, मतलब मैं बाइंडिंग हूं कि हाँ जो बिल उन्होंने मुझे भेज दिया उसके ऊपर मैं साइन करूंगा ही करूंगा। तो दैट मींस दैट ही मस्ट साइन द बिल जब उसके पास दोबारा से पास होके आएगा, सेकेंड टाइम बिल पास होके आएगा, उसको साइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन ध्यान रखिए, ये जो सस्पेंसिव विटो है, राष्ट्रपति जो है हमारा जो अमेंडमेंट बिल होते हैं, संशोधन बिल होते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकता, जहां हमारे जो है मनी बिल होते हैं उनके ऊपर नहीं कर सकता। ये सस्पेंसिव विटो जो है एक साधारण जो बिल होते हैं ना, साधारण विधेयक बिल होते हैं, उसी के ऊपर वो लगा सकता है, ना मनी बिल में लगा सकता है, ना ही वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में लगा सकता है। ये ध्यान रखने वाला पार्ट है। अगला पार्ट देखिए जी क्या है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? अध्यादेश, हिंदी में अध्यादेश कहते हैं इसको।
अब ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है, सपोज करो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमारे तीन सेशन है, बजट, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है। बजट सेशन फेब से लेके मई तक है और जुलाई अगस्त में आपका जो है दैट इज द मॉनसून सेशन है। तो बीच में मंथ कौन सा रह गया? जून। अब जून मंथ में पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जून मंथ में पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट में नहीं है, सेशन नहीं चल रहे, तो उस केस में हमें लगे, हमारे देश को लगे कि कानून बनाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी कानून है, तो उस टाइम पे जो कानून बनाने की चीजें होती है ना, वो ऑर्डिनेंस से आती हैं जो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑर्डिनेंस जो होता है, पहली बात तो वो सीधा का सीधा लगाया कानून होता है, एग्जीक्यूटिव लॉ होता है ये, ठीक है। लेकिन अगर उसकी पावर के बारे में पूछा जाए तो वो होता है आपका, दैट इज द लेजिस्लेटिव पावर। ध्यान से समझना, ये जो राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन अदरवाइज वो सीधा का सीधा कानून लगा हुआ है हमारे देश में। पॉइंट क्लियर। ये हमेशा सेशन में, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। अब यहां पे देखिए जी क्या होता है, समझा देता हूं मैं आपको। ऑर्डिनेंस जो होती है, अध्यादेश, आर्टिकल नंबर 123 में लिखा होता है, ठीक है, आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है। अब ये क्या कब आता है? जब पार्लियामेंट जो होगी, संसद जो होगा, वो सेशन में नहीं है, आपके सभी जो सेशन चल रहे हैं उसमें नहीं है। अब ऑर्डिनेंस जो इशू करता है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना है, राष्ट्रपति हमेशा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, उनकी एडवाइस से राष्ट्रपति क्या करता है? ऑर्डिनेंस इशू कर देता है आर्टिकल 123 में। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब ये कानून लग जाता है, और इस कानून की, ऑर्डिनेंस की जो मतलब शक्तियां होती हैं, ये कब तक लगता है? 6 महीने तक ये लगा रहता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओ, हमने डिस्कस क्या किया था कि जो पार्लियामेंट है या राष्ट्रपति जो है, हमेशा मिनिमम 6 महीने के बाद तो मिलते मिलते हैं, तो डैट मीन्स जब इसने ऑर्डिनेंस इशू किया होगा उसके बाद जो है पार्लियामेंट सेशन में मिलेगी। तो अब क्या होगा, जब पार्लियामेंट की रीअसेंबली होगी, पार्लियामेंट जो है रीअसेंबल करेगा, यानी कि दोबारा से मिलेगा, अगर उसने देखा कि राष्ट्रपति ने ये 6 महीने के लिए जो ऑर्डिनेंस लगाया था, ये ऑर्डिनेंस लगाया था उसने कि ये लगा रहने दीजिए या नहीं लगा रहने दीजिए, अगर सपोज करो कि लगा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये मतलब ठीक है, लगाया था ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो बिल है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, कि अगर उन्होंने संसद के अंदर इस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करी। अगर संसद में डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी कि हाँ इसको प्रॉपर तरीके से लॉ बनाना है, प्रॉपर तरीके से कानून बनाना है, तो क्या होगा, 6 हफ्तों के अंतर्गत 6 वीक्स में ये बिल पास होना जवाब दोबारा से जरूरी है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है बिल पास करना बहुत जरूरी होगा, अगर पार्लियामेंट दोबारा से असेंबल होती है और उसके बाद वो कहती है कि हाँ डिस्कशन करो इस चीज के ऊपर, तो 6 हफ्तों के अंतर्गत जो है आपका बिल पास करना जरूरी होता है, अदरवाइज 6 महीने ही ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है, ये याद रखना। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति घोषित करता है 123 में, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब करता है, और 6 महीने तक लगा रहता है, 6 महीने के बाद अगर दोबारा से पार्लियामेंट मिलती है तो अगर उसके ऊपर डिस्कशन होती है तो 6 हफ्तों के अंतर्गत वो कानून बन जाना चाहिए, अगर वो कानून नहीं बनना तो 6 महीने के बाद बिल जो है ऑर्डिनेंस पावर जो है राष्ट्रपति की खत्म हो जाती है। यहां पर वही चीज जो है लिखी गई थी। एक चीज आपको यही ध्यान रखना है, जब भी ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति लगाएगा वो उसको कभी भी किसी टाइम भी जो है विड्रॉ कर सकता है, वो कह सकता है कि ठीक है ये चीज खत्म होगी, इस चीज को हम नहीं करने वाले आगे, क्लियर। और एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस कभी भी, जब भी संविधान में कुछ चेंज करना होगा ना तो नहीं होगा, ऑर्डिनेंस हमेशा तब लगाई जाती है जब आपने नया कानून बनाना हो, ये नहीं होगा कि पुरानी जो चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना आप उसी चीज को बदली जा रहे हो, वो नहीं होगा, अमेंडमेंट नहीं होगी इसके अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, अब क्या होगा, ठीक है जी चलो कर दिया, अब जितने भी जो प्रेसिडेंट हैं, अब उसकी लेजिस्लेटिव पावर में और क्या चीजें आती हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे फाइनेंस कमीशन की हो, SC ST की कमीशन की हो, कैग की रिपोर्ट हो, ठीक है, जो भी कमीशन उसने किए अपॉइंट किए, SC ST OBC, उनकी कोई भी रिपोर्ट होगी, राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के आगे सामने पेश करेगा, ये याद रखना है आपका। ये प्रेजिडेंट ले रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की होगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की, कैग की, नेशनल कमीशन SC ST
और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जितने भी कमीशन है उनकी सभी रिपोर्ट्स को जो है वो कौन पेश करेगा, वो पेश करेगा आपका राष्ट्रपति, कहां पे पार्लियामेंट के सामने पेश करेगा, ये याद रखना है आपको, क्लियर। सो ये थी आपकी लेजिस्लेटिव, रिकॉल करते हैं फटाफट। लेजिस्लेटिव का मतलब कानून बनाना, कानूनी शक्तियां बनाना। अब यहां पे हमने पढ़ा क्या है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पढ़ा, सेशन को समन करने की बातें पढ़ी, और उसके बाद अगर बिल डेडलॉक हो जाता है तब भी आपने ज्वाइंट सेशन में बता दिया आपको क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन करने की बातें पढ़ी थी कि हाँ अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करे तो राष्ट्रपति हटा देंगे, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने इसमें लेजिस्लेटिव पावर में, और क्या चीजें पढ़ी हैं, यस वो बिल को जो है ऑर्डिनेंस कर सकता है, ऑर्डिनेंस 123 नंबर आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ये वाली डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और ऑर्डिनेंस इश्यू करना, रिकंसीडरेशन के लिए भेज देना, सस्पेंसिव वीटो डाल सकता है, और अगेन जब दूसरी बार वापस आ जाएगा तो उसके ऊपर साइन करने जरूरी हो जाएंगे, यस बिल्कुल सही। और बजट को पेश करता है लोकसभा में, उसके लिए परमिशन जो होती है राष्ट्रपति की लेनी जरूरी होती है, लोकसभा में आता है, एक बिल जो है नया राज्य अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी परमिशन राष्ट्रपति की आपको चाहिए होगी। डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट बता दिया। नॉमिनेशन जो होती है 12 मेंबर्स की नॉमिनेशन होती है राज्यसभा में, वो आपके लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस से होती है, ये लोगों की जो आपकी नॉमिनेशन होती है वो भी लेजिस्लेटिव पावर होती है उसकी। सो ये सारी पावर्स हमने डिस्कस करी थी राष्ट्रपति के बारे में, क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ इज द फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां इनके पास कौन कौन सी हैं। वित्तीय शक्तियां तो हमने 2-3 पॉइंट पढ़ ही लिए थे, कैसे बजट जब भी पेश किया जाएगा राष्ट्रपति की परमिशन से पेश किया जाएगा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट राष्ट्रपति की जब तक हां नहीं होगी तो लोकसभा में पेश किया नहीं जाएगा। मनी बिल को अगर पेश करना है, धन विधेयक बिल को पेश करना है आर्टिकल 110 के अंतर्गत, तो हमेशा राष्ट्रपति की परमिशन जब तक नहीं होगी तब वो बिल पेश नहीं किया जाएगा, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगेन मनी बिल जो है लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, 14 दिन के अंदर अंदर वो बिल पास होना जरूरी होता है। मनी बिल में हम पढ़ेंगे, जो बिल डिस्कस करेंगे ना बहुत डिटेल में, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीजें, तो ये चीजें होगी आपकी, ठीक है। तो मनी बिल का कंसेप्ट हो गया, ये वाला कंसेप्ट हो गया। हमारे देश में जो दो फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड भारत की संचित निधि, ठीक है, जिसमें आर्टिकल होता है 266। एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि, जो होता है आपका इमरजेंसी वाला फंड, ठीक है, इमरजेंसी वाला फंड जो आर्टिकल 267 में लिखा होता है। अब एक चीज देखिए, जो कंसोलिडेटेड फंड होगा भारत की संचित निधि, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा जा रहा है, मतलब सैलरी वगैरह देना, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, लोन्स रीपेमेंट जो भी कर रहा है, जब बाहर से कोई पैसा आ रहा है, देश की बहुत सारी कंपनियां जो पैसा कमा रही हैं, वो सारा पैसा जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होता है। लेकिन कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रखा होता है और वो होता है आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट का रूल चलता है। पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि यहां पे जो बिल है पेश किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पेश पास किए जाएंगे और राष्ट्रपति जो है साइन करके उस चीज को, हम बिल को पैसे, उस पैसे को हम निकाल सकते हैं वहां से। लेकिन सीन यहां पे ये हो गया कि कॉन्टीजेंसी फंड जो आता है ना, आकस्मिकता निधि जो आती है, जो इमरजेंसी वाला फंड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। इस चीज के लिए उसको किसी चीज से, किसी बंदे से परमिशन नहीं लेनी होती। पॉइंट समझ आया, ये याद रखना। जितनी भी फाइनेंस कमीशन जो होता है, मैंने आपको बताया था फाइनेंस कमीशन को बनाता कौन है, अगेन राष्ट्रपति बनाता है अंडर आर्टिकल 280। हर 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। अब ये फाइनेंस कमीशन के काम क्या होते हैं, इस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के बीच में पैसे की विभाजन करना, ग्रांट्स की विभाजन करना, टैक्स की विभाजन करना और हमारे देश का साउंड फाइनेंस बना के रखना। ये सारी शक्तियां किसकी आती हैं, फाइनेंस कमीशन की आती हैं। और इस फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इस फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो राष्ट्रपति के सामने आती हैं, राष्ट्रपति वो आगे पार्लियामेंट में पेश कर देता है, जो हमने पढ़ा है यहां पे। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये है उसकी फाइनेंशियल पावर के बारे में, रिकॉल कर लो फटाफट। फाइनेंशियल पावर में फाइनेंस कमीशन हो गया, बजट वाली बात होगी, मनी बिल वाली बात होगी, ये आपकी फाइनेंशियल पावर है राष्ट्रपति की। नाउ इज द जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति की, मतलब आपके न्यायपालिका शक्तियां जो हैं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं यहां पे। पहली बात तो आपको एक चीज याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है और दूसरे जज भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी हाई कोर्ट के जजेस को भी वो अपॉइंट करता है, ये याद रखना, ये ध्यान रखना है आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, किस किस को अपॉइंट करता है, इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं ना, ऑब्वियसली बात है, मेन जज तो यही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्लियर। और उसके बाद जो अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं वो भी जो है आपके कौन अपॉइंट करता है? अगेन राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अब राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है। जब भी ये अदर जजेस को अपॉइंट करता है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करके, कंसीडर करके उनको अपॉइंट करता है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। हाई कोर्ट के जजेस में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होगा, ठीक है, और आपके अदर जजेस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि वहां पे हो, अदर जजेस भी हो सकते हैं। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं तो किस किस के साथ कंसीडर किया जाता है? राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसीडर करते हैं। गवर्नर जिस राज्य के में, जो हाई कोर्ट किसी राज्य में होगी ना, उस हाई कोर्ट उस स्टेट के गवर्नर से बात की जाती है, तब किसको अपॉइंट किया जाता है? आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। अगर मैं अदर जजेस की बात करता हूं, दूसरे जजेस को, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे इनको भी, लेकिन किससे इसका साथ कंसीडर करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसीडर करके। ये स्टेटमेंट लगती बड़ी सिंपल सी है, मैं आपको बता दूं, आपको लगे अरे जजेस को तो अपॉइंट करना नहीं, पेपर में जब कंफ्यूज करते हैं ना वो एग्जामिनर, वो यहां पे कंफ्यूज करता है, इस जगह के ऊपर कंफ्यूज करता है आपको, ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज करता है यहां पे, कि अच्छा ये बताओ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भी है, आपके स्टेटमेंट ऐसे दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं लेकिन कौन, किसके साथ मिलके? गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसीडर करके किए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिए जी, अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति जो है अभी अकेला व्यक्ति है, कितने डिसीजन लेगा, ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि उसको सभी पता है, राष्ट्रपति को सब कुछ पता है। क्या होता है, राष्ट्रपति जो है अगर किसी चीज में फंस जाए, फंसने का मतलब ये है कि उसका दिमाग ना चले, वो डिसीजन ना ले पाए, तो ऑब्वियसली बात है एडवाइस लेते ना, जैसे हम भी हैं, जैसे मैं भी हूं, तो मैं किसी चीज के ऊपर, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूं तो मैं किसी चीज में फंस जाऊं, जहां मैं सपोज करूं कि मुझे लगे कि हाँ मुझे ये पढ़ाना चाहिए या ये पढ़ाना चाहिए, जो भी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। घर में कोई चीज होती है, अपने मां बाप के साथ डिस्कस करते हैं हम लोग, आप भी करते हैं, तो हमेशा हम क्या लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। तो राष्ट्रपति भी एडवाइस लेता है, किससे लेता है वो एडवाइस? वो लेता है सुप्रीम कोर्ट से, अंडर आर्टिकल 143, जिसे हम कहते हैं सलाहकार शक्तियां राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की। तो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सलाह किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। तो ध्यान रखना, जब भी सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी तो वो राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है, दैट मींस इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति माने ना माने उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेम अगर मैं आपको एडवाइस दूं, यार पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो, पॉइंट्स को याद रखो, मैच आपको जो है शॉर्ट ऐसे बनाते चलो कि आप जो लिख रहे हो इसको, पॉइंट को लिख रहे हो, तो एक एक पॉइंट नहीं लिखना आप लोगों ने, आपने मैं इस तरीके से बनाने हैं, फ्लो चार्ट बना के बनाओ, ठीक है, जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं। अब जब आप बना रहे हैं ना, तो डैट मीन्स मैंने एडवाइस दी है आपको कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन वो एडवाइस आपके ऊपर बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो चीज माननी है या नहीं माननी, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो लिखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के बारे में लिखा गया है, वो बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग कभी भी नहीं होती, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, क्लियर। अब राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां होती हैं, जैसे पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कमिट। मतलब क्या है कि अगर कोई कैदी हो, अगर कोई कैदी होता है तो उसको कंप्लीटली माफ करना, उसकी सजा को कम करना, जो भी चीजें हैं वो राष्ट्रपति कर सकता है। वो कैसे कर सकता है मैं अभी बताता हूं आप लोगों को, लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो राष्ट्रपति की एक्सक्लूसिव पावर में आता है, जैसे कि किसी पर्सन को कोर्ट मार्शल किया, ऑब्वियसली बात है आर्म्ड फोर्सेस ने किया कोर्ट मार्शल, तो उसको भी क्षमा कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति कर सकता है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? और एक चीज आपको मैं बता दूं कि आपने यूनियन लॉ सेंट्रल लिस्ट के अंदर कोई सब्जेक्ट था उसके अंदर किसी को सजा मिली तो उसको भी माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और ऐसे केसेस जहां पे आपका डेथ सेंटेंस आ जाए कि कंप्लीटली उसको फांसी देने की बात आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है उसमें भी कौन बचा सकता है? राष्ट्रपति बचा सकता है। ध्यान रखना, जो इसकी एक्सक्लूसिव पावर है डेथ की, कोर्ट मार्शल की,
डेथ की, कोर्ट मार्शल की और यूनियन लॉ के अंदर कोई भी आपने गलत काम किया है तो राष्ट्रपति के ऊपर पास पावर होती है यहां पे, क्लियर, ये याद रखना। नाउ इज द पार्डन पावर, उनको क्षमा करने की शक्तियां कौन कौन सी हैं। पार्डन पावर जो अगर हम मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है लिखा होता है कि पार्डन पावर क्या है, क्षमा करने की शक्तियां क्या हैं, ध्यान से समझने वाली बात है यहां पे। और ये जो है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, ये याद रखना, इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ये आपकी कार्यपालिका शक्तियां में आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान रखना। सो इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्लियर हो गया। हमेशा जो भी एडवाइस लेके काम करेगा राष्ट्रपति काम करेगा और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर काम करेगा। अब यहां पे देखिए जी, पार्डन का मतलब क्या है, यहां पे किसी पर्सन ने कोई मतलब किसी को डेथ हो रखी है, डेथ सेंटेंस है, जब आपने कोई भी मतलब आप जो है मतलब जेल में हो, ठीक है, राष्ट्रपति ने आपको देखा कि ये बंदा सुधर गया, आपको देखने का मतलब ऑब्वियसली बात है ये सारा कागजी कार्रवाई होगी, तो राष्ट्रपति को लगे कि हाँ ठीक है ये बंदा ठीक हो गया, तो उसको पूरा कंप्लीटली माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति कर सकते हैं, मतलब उसकी सजा से भी और कन्विक्शन से भी कोई भी कुछ हो तो उससे माफ किया जा सकता है, कंप्लीटली माफ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। दूसरा होता है कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन को मैंने समझा कैसे और आपको कैसे समझना है, कम्यूटेशन का मतलब सी फॉर कम्यूटेशन, सी फॉर चेंज, सी फॉर कैरेक्टर, ध्यान से समझना, C for commutation, C for change, C for character. अगर हम सजा का character change कर दें तो that is called commutation. For example, सजा का character का मतलब क्या है, किसी को death sentence हो रखी थी तो हमने उसको थोड़ी सी कड़क सजा दे दी, मतलब उसको मरने से तो बचा दिया ना हमने, कड़क सजा दे दी, किसी को कड़क सजा मिली हुई थी तो उसको हमने क्या किया, कम सजा करवा दी, क्लियर। तो अगर आप जो है किसी को डेथ सेंटेंस दे, आपको कड़क सजा दिला रहे हैं, जब कड़क सजा से एक नॉर्मल सजा दिला रहे हैं, जब नॉर्मल सजा के बिना जो है उसको आपने सिर्फ पेनल्टी में करवा दिया तो डेट इज कॉल्ड आपका कम्यूटेशन, ध्यान रखिए, सी फॉर चेंज, सी फॉर कैरेक्टर, सी फॉर कम्यूटेशन, ये बदलाव करना, डेट इज कॉल्ड आपका कम्यूटेशन, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला पॉइंट देखें, रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है, अगर ध्यान से समझना है, सी फॉर चेंज, सी फॉर कैरेक्टर, सी फॉर बदलाव, जो मैंने आपको बताया था, डेट इज क्लियर, ठीक है। अब बात यहां पे ये है रिमिशन की, अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को 10-12 साल की सजा हो रखी है, एग्जाम्पल मान के चलो, चलो 4-5 साल की सजा हो रखी है, तो उसने सजा का करेक्टर चेंज ना करके राष्ट्रपति ने उसको 2 साल की कर दी, मतलब 3 साल माफ कर दी, करेक्टर वही है, अगर आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो रखी है 5 साल की तो आपका 5 साल रिग्रेस ही रहेगी, लेकिन 5 साल से उसने 2 साल कर दी तो डैट मीन्स आपका करेक्टर उसमें बदला नहीं है, सजा का करेक्टर नहीं बदला और उसमें सिर्फ सजा कम हुई है, तो डैट इज 5 से 2 साल कर दी, वो ही चीज रहेगी, आपकी इंप्रिजनमेंट थी, इंप्रिजनमेंट थी, इंप्रिजनमेंट ही रहेगी, आप जेल में ही हैं, 5 साल की सजा थी, 5 साल में उसने उसको बदलाव करके 2 साल कर दिया तो डैट इज कॉल्ड रिमिशन। इसमें सजा का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, कैरेक्टर चेंज कहां पे होगा, कम्यूटेशन में, ये याद याद रखना, क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद है रेस्पाइट। रेस्पाइट में एक वर्ड आ रहा है ESP, ESP मतलब स्पेशल, स्पेशल मतलब क्या होगा कि यहां पे कुछ ऐसी चीज होगी, मतलब कुछ स्पेशल करेक्टर होगा, स्पेशल करेक्टर का मतलब क्या है, यहां पर कोई जो है हैंडीकैप हो, जो है कोई प्रेग्नेंट वीमेन हो, तो उसमें आपने उस सजा को मतलब उसको ओरिजिनल प्लेस की जगह के ऊपर, मतलब कि ऐसे सरकमस्टांसिस में आपने क्या किया, उसको कम सजा दे दी, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पाइट, दैट इज कॉल्ड रेस्पाइट। पॉइंट समझ आया, ध्यान से मैं रिकॉल भी करवाऊंगा आपको, क्लियर। उसके बाद है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि कोई कैदी है, उसको डेथ सेंटेंस हो रखा है, ठीक है, उसने एक अर्जी लिखी, एप्लीकेशन लिखी कि राष्ट्रपति को कि मेरी सजा माफ कर दी जाए, वो राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगी। जब वो राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगी, सपोज करो कि वो राष्ट्रपति तक पहुंच गई है, वो बिल जो लिखा था, अर्जी लिखी थी आपने, राष्ट्रपति के पास पहुंच गई, राष्ट्रपति ने उस चीज के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना ना, ठीक है, मतलब उसके ऑफिस में गई हुई है लेकिन राष्ट्रपति ने ना हाँ ना हाँ ना ना बोला है, उस चीज के चलते चलते उस व्यक्ति की डेथ का, फांसी का टाइम आ गया, उस व्यक्ति की डेथ का आपका फांसी का जब टाइम आ जाता है उसका, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर राष्ट्रपति ने हाँ ना नहीं कहा तो उस बंदे को फांसी नहीं होगी, क्यों, जब तक राष्ट्रपति का डिसीजन नहीं आएगा, जब हाँ या ना ना में
तब तक उस बंदे को कोई भी डेथ सेंटेंस नहीं मिल सकता, वो ऑटोमेटिकली एक जो है क्षमा करने की पावर होगी, दैट इज कॉल्ड रिप्रीव। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? ये जो होती है ये टेम्परेरी पर्पस के लिए, टेम्परेरी पीरियड के टाइम के लिए होती है, और अगेन जब तक राष्ट्रपति ने उस चीज को नहीं देखा तो दैट इज कॉल्ड रिप्रीव। पॉइंट समझ आया? दैट इज स्टे लगना, कि आपको एग्जीक्यूशन में किसी चीज में जो है स्टे लगना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम पढ़ते हैं इसमें पॉइंट्स में क्या क्या डिस्कस किया हमने। हमने जो डिस्कस किया पार्डन पावर, पार्डन पावर में मैंने आपको बोला कंप्लीटली माफ कर दिया, ठीक है। एक हमने पढ़ा कम्यूट, उसमें हमने बोला कि सजा का करेक्टर भी चेंज कर दिया, मतलब रिग्रेस से सिंपल इंप्रिजनमेंट, डेथ से सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दी। और उसके बाद है रिस्पाइट, रिस्पाइट में क्या था स्पेशल करेक्टर, प्रेग्नेंट लेडी है या फिजिकल एबिलिटी आपकी, मतलब फिजिकल डिसेबल हैं आप। और एक है रिमिशन, इसमें आपने सजा का करेक्टर चेंज ना करके 10 साल से 5 साल कर दी, ये हो गया रिमिशन। एक होता है रिप्रीव जो हमने पढ़ा था अभी, इसमें क्या लग गया स्टे लग गया, ऑटोमेटिकली स्टे लग गया आपके डेथ सेंटेंस के ऊपर। तो दीज आर द फाइव, ये पांच जो हैं पार्डन पावर में आती हैं राष्ट्रपति की। पॉइंट समझ आया? अब बात करते हैं पार्डन पावर राष्ट्रपति के पास भी है, पार्डन पावर जो है गवर्नर के पास भी है, लेकिन गवर्नर और राष्ट्रपति की पावर में डिफरेंस क्या आता है? देखिए पार्डन पावर आपका 72 आर्टिकल नंबर जो है वो राष्ट्रपति के लिए है, 161 जो आर्टिकल नंबर है वो गवर्नर के लिए देखने को मिलता है। यहां पे गवर्नर सिर्फ तीन चार चीजों में काम नहीं कर पाएगा, क्या? एक तो डेथ सेंटेंस कंप्लीटली माफ नहीं कर पाएगा, कोर्ट मार्शल अगर किसी ने किया हुआ है उस चीज में कोई दखल अंदाजी वो नहीं कर पाएगा, ये चीजें कर पा सकता है, बाकी सारी पावर उसके पास हैं। ये देखिए जी, ये सारी पावर उसके पास हैं, और उसमें वो डिफर कहां पे करता है, वहां पे कोर्ट मार्शल के केस में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता गवर्नर, ना ही वो डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली माफ कर सकता है गवर्नर। बाकी सारी पावर जो है सेम पावर है गवर्नर की भी और राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पावर जो होती है 72 में आती है, गवर्नर की पावर जो होती है पार्डन पावर वो 161 में देखने को मिलती है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में क्या आता है? यस, डिप्लोमेटिक पावर में क्या आता है जी? डिप्लोमेटिक पावर में यह आता है कि जब भी हम दूसरे देश के साथ डील करते हैं, हमारे देश में जो बाहर से लोग आते हैं हमारे एम्बेसीज में बैठते हैं, जिन्हें हम एम्बेसडर कहते हैं, तो उनको रिसीव करना राष्ट्रपति करता है, और हमारे देश से बाहर एम्बेसडर भेजना ताकि हमारा इंडियन डायस्पोरा जो बाहर देश के लोग बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं, तो उनके आपस से वो उनके हित के बारे में सोच सके, या कोई भी बात है आपस में वो कर सकें, या हमारे देश की स्ट्रेटजीज जो है हमें पता लगती चली जाएं उससे, उस देश में क्या हमारा स्कोप है क्या नहीं है, ठीक है। तो डैट मीन्स एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स जो हैं हमारे इंडिया से बाहर भेजना, तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बाहर से जो हाई कमिश्नर या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं तो उनको, सॉरी एम्बेसडर्स आते हैं, उनको रिसीव करने का भी काम किसके पास होता है? राष्ट्रपति के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एम्बेसडर उन देशों में बोला जाता है जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। अगर कोई देश कॉमनवेल्थ का पार्ट है तो वहां पे आपके जो है आपका कौन अपॉइंट किए जाते हैं? हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, ये याद रखना। क्लियर हो गया? हमारे देश में जब भी कोई दो देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इंटरनेशनल ट्रीटीज, और उसमें साइन करने वाली अथॉरिटी अगेन कौन होती है? राष्ट्रपति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है ये राष्ट्रपति सीधा अकेला डिसीजन ले लेगा, ये हमेशा पार्लियामेंट अप्रूवल से होता है। पार्लियामेंट अप्रूवल का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलके कानून लेंगे, मतलब अपना ये डिसीजन लेंगे। अप्रूवल आपको पार्लियामेंट का चाहिए, लेकिन एंड में साइन करने वाली अथॉरिटी कौन है? अगेन आपके राष्ट्रपति, क्योंकि कंक्लूड तो वही करेगा, साइन तो वही करेगा। पॉइंट समझ आया? सो दीज आर द डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिलिट्री पावर्स के बारे में। अब मिलिट्री पावर्स जो है राष्ट्रपति की क्या है? मिलिट्री पावर जो राष्ट्रपति की क्या है? मिलिट्री पावर्स जो है आपकी, जैसे कि आपके आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है। अब आर्म्ड फोर्सेस में भी गड़बड़ हो जाती है। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या होता है? आर्मी, ठीक है, एयर और नेवी। सो ये आपकी आर्म्ड फोर्सेस में आती हैं, जैसे कि बीएसएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ, जो भी ये हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, और वो होती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो, ठीक है, ये याद रखना। ये जो होती हैं आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, आर्मी, एयर और नेवी।
जो इनके चीफ होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, अगेन राष्ट्रपति करते हैं, और जो चीफ कमांडर है पूरी सेवाओं का वो भी कौन है, राष्ट्रपति है। दैट इज सुप्रीम कमांडर हो गया, आर्मी नेवी और एयर मार्शल जो भी चीफ है इनके उनको वो अपॉइंट करता है। कभी भी किसी देश में वॉर घोषित करना, शांति घोषित करना, अगेन राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन अगेन अप्रूवल किसका चाहिए आपको, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो अब हमने पावर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अगेन जैसे मैंने आपको बताया है कि पॉइंट्स हमने डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ कहां पे आती है, एग्जाम में, एमसीक्यूज करने में। तभी मैंने आपको बोला था अगर आप टॉपिक में से पढ़ रहे हैं ना तो एमसीक्यू सॉल्व करने जरूरी है। कुछ एमसीक्यूज मैंने यहां पे डाल दी हैं और हमारे पेड कोर्स भी आप ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स है जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन भी किया होगा, आपको पता लग जाएगा। अब यहां पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मैं देखता हूं कि आपने आज के लेक्चर को कितना ध्यान से सुना है। मैंने तो गला फाड़ दिया पूरा, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि आप कैसे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। तो पॉइंट नंबर वन देखिए, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस। देखिए जी, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके राष्ट्रपति हैं वो एक देश का संविधान, मतलब एक देश के अंतर्गत, गवर्नमेंट के अंतर्गत बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए या अपने मिनिस्टर को आपके अमंग मतलब डिपार्टमेंट बनाना या मोर कन्वीनियंट तरीके से ट्रांजेक्शन करना, वो आपका ये करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो है ये कन्वीनियंट तरीके से ट्रांजेक्शन करने के लिए आपकी एलोकेशन करते हैं मिनिस्ट्रीज को सेट बिजनेस। मतलब अगर आपने होम अफेयर्स की चीज़ों को देखना है तो होम अफेयर मिनिस्टर हैं, फाइनेंस की चीज़ों को देखना है तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस को देखना है तो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। All the executive action of the government of India shall be taken by the name of the Prime Minister. ये पॉइंट आपका गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था वो Prime Minister में ना होके decision कहाँ से लिया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम पे decision लिया जाएगा, जो कि आपका executive power है, article 53 में देखने को मिलता है। तो दूसरा statement गलत हो जाता है, तो इसका answer बनेगा क्या, only one is the correct answer, only one, answer number A is the right one। चलिए जी दूसरा question बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ, देखता हूं कितना तुम पानी में हो, कितना तुम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। राष्ट्रपति की ड्यूटी होती है कि वो पार्लियामेंट के सामने जो है वो आपकी रिपोर्ट पेश करता है, राष्ट्रपति की ड्यूटी होती है वो रिपोर्ट पेश करता है, इनमें से वो किस चीज की रिपोर्ट जो है वो पेश करता है और कौन सी नहीं करता, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी करता है। जो भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होगी, वित्त आयोग की रिकमेंडेशन होगी, इसकी रिपोर्ट पक्का जाती है आपकी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जाती है यहां पे, ये नहीं जाती, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती, हमारे कैक की रिपोर्ट को जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं जाती, पब्लिक अकाउंट कमेटी की ना जाके कैक की रिपोर्ट को ये पेश करता है। जितने भी एससी एसटी ओबीसी के कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी आपका पेश करता है राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। देखो मैंने आपको बताया था कि यहां पे एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा कि कहां पे आप पढ़ते हो कहां से नहीं पढ़ते, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती क्या है, इसमें 22 लोग होते हैं जिसमें से 15 लोग लोकसभा के होते हैं, 7 लोग राज्यसभा के होते हैं, और इनका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा और उसको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर, 1 साल के लिए अपॉइंट करते हैं यहां पे। अब बात ये है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो क्या करती है, जो कैग होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी रिपोर्ट्स को जो है पढ़ता कौन है और मार्केट में पेश कौन कर देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कर देती है, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब क्या है, जो वित्त आयोग ने कोई भी रिकमेंडेशन दे दी कि हाँ हम ऐसा कर लें, तो वो दोनों सदनों के सामने कौन पेश करता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमेशा आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति करते हैं पेश, 281 में लिखा गया है। अदरवाइज फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 280, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का विभाजन, टैक्स, ग्रांट्स, ये सब कुछ। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग दोनों सदनों के सामने। चलिए अगला बताइए, इन स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है, आपको आंसर बताना है क्या बनेगा। पॉइंट नंबर 1, द मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी।
ये पॉइंट सही है या गलत है। पहली बात तो मैं अगर आपको मैं बताऊं, हर मिनिस्ट्री के अंदर जो है हर एक मिनिस्टर को आपका अपॉइंट किया जाता है और उसमें असिस्टेंट करने के लिए आपका सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, वो आपका काम करते हैं। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना नहीं, डिपार्टमेंट्स तो ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे देश के अंतर्गत, पॉइंट समझ आया। तो ऐसे नहीं है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी की एडवाइस से होगा, ये नहीं, पॉइंट आपका सही नहीं है। तो ये पॉइंट आपका गलत देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, ईच ऑफ मिनिस्ट्री इज असाइन टू ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हर मंत्री को, हमने मंत्री को बोल दिया कि तू डिफेंस मिनिस्टर है, तू फाइनेंस है, ये है, वो उसको अपॉइंट कौन करेगा, हमेशा राष्ट्रपति करेंगे। आपको याद करवाओ, मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव पावर में डिस्कस किया था, और इसको किसकी एडवाइस से किया जाएगा, प्रधानमंत्री की एडवाइस से। ये आपका बिल्कुल सही है, आर्टिकल 75(1) मैंने आपको बताया था, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो मतलब आंसर क्या बनेगा आपका, बी, सेकेंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ओनली। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, ये वर्ड ढूंढने की जरूरत है यहां पे। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द ऑर्डिनेंस। सीधी सी बात आ गई, ऑर्डिनेंस के ऊपर बात आ गई। ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में लिखा होता है, ये आपका एग्जीक्यूटिव लॉ होता है, मतलब सीधा का सीधा कानून लगाया, और लेजिस्लेटिव पावर होती है राष्ट्रपति की, कानून बनाने वाली शक्तियां होती है राष्ट्रपति की। तो यह किस में लिखा गया है, आर्टिकल 123 में लिखा जाता है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ड को पिक करना था और आंसर निकाल देना था, यहां पे आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, यहां पर आंसर देखिए जी क्या कहता है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन ध्यान समझ के, कौन से आर्टिकल में संविधान के राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है एडवाइस लेता है कि जो आपकी इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दे दिया गुजरात असेंबली के लिए, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। सीधी सी बात यह है, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति एडवाइस ले रहा है, किससे एडवाइस ले रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट से। जब वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले रहा है ना, तो आर्टिकल किस में आएगा, आर्टिकल 143 में देखने को मिलेगा, 143 में देखने को मिलेगा। यह भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यह स्टेटमेंट उसने इतनी बड़ी दे दी, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा था उसने, एडवाइस कहां से लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से लेंगे, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इमरजेंसी पावर, एमरजेंसी पावर का मतलब क्या है, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास हमने बहुत सारी पावर्स डिस्कस कर ली हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पार्डन, बहुत सारी डिस्कस कर रही हैं, और अब हमारी पावर्स हैं एमरजेंसी पावर। एमरजेंसी पावर की अगर हम बात करें कि आपातकालीन स्थिति क्या होती है, बहुत तरीके की आपातकालीन स्थिति है। जैसे कि हमारे देश में अगर मैं बात करूँ, तीन टाइप की है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी का मतलब राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति, जो आर्टिकल 352 में लिखी गई है। दूसरी है आपकी स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। दैट इज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, दैट मीन्स यहाँ पे मतलब संविधान के अकॉर्डिंग जो है राज्य आपातकालीन स्थिति कहा जाता है इसको, जो कि 356 में देखने को आपको मिलता है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका फाइनेंशियल, यानी कि वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में देखने को हमें मिलता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तीन टाइप की इमरजेंसी है, तीनों के अपने अपने रीजंस हैं, तीनों कैसे लगती हैं, क्या होता है, क्या हमसे छीन लिया जाता है, पावर्स कौन सी नहीं होती, कौन सी राष्ट्रपति के पास है, पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर्स आ जाती हैं, वो इस लेक्चर में, वो इस इमरजेंसी पावर में हमने डिस्कस करना है। और अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, जो कि आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, कि हाँ आपके देश में इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति लग सकती है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है इस चीज को बोरो किया है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 75% हिस्सा संविधान का हमने यहां से लिया है, 3/4 हिस्सा जो है यहां से लिया है, और इमरजेंसी प्रोविजंस भी जो है आपकी कहां से ली गई हैं, दैट इज द 35 के एक्ट से ली गई हैं। लेकिन काफी बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, क्या आ रही होगी, कि ये ऐसे हमने तो ऐसे पढ़ा है, इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, इमरजेंसी होती हैं, कैसी होती हैं, वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन इमरजेंसी जब लगती है, हमारे फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये जो चीजें ली गई हैं वो हमने जर्मनी से ली हैं, वो चीजें हमने कहां से ली हैं, जर्मनी से ली हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, समझ आया।
नाउ द पार्ट इज आर्टिकल 352 क्या होता है। पहले एक ब्रॉड टर्म में हम पढ़ेंगे, फिर मैं इसको आपको टू द पॉइंट आपको चीजें लेके आता हूं यहां पे, ठीक है। देखिए जी क्या होता है, देखो नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं पहले। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के कारण लगती है, पॉइंट समझ आया, 352 के कारण, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति। अब इसके तीन रीजन हो सकते हैं, वो क्या, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी विद्रोह, बाहर की कोई कंट्री जो है विद्रोह कर दे, दूसरा आपका वॉर प्रॉपर तरीके से लड़ाई हो जानी, तीसरा आपका आर्म्ड रिबेलियन सैन्य विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन सैन्य विद्रोह। ये वर्ड जो था पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक असंतुलन वर्ड था, दैट इज इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड ये देखने को मिला था। एमरजेंसी इन तीन कारणों से लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन, लेकिन पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था। हमारे देश में तीन टाइप की एमरजेंसी, तीन बार एमरजेंसी लगी है, नेशनल एमरजेंसी, एक्सटर्नल एग्रेशन दैट इज इन द 1962 में, दैट इज विद द इंडिया एंड द चाइना, समझ आया। वॉर लगी थी आपकी 1971 में बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगी थी इंदिरा गांधी जी की सरकार में, जब आपके राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, पॉइंट समझ आया, और ये 1975 में लगी थी। लेकिन फिर हमने इस वर्ड को जो है चेंज कर दिया आर्म्ड रिबेलियन में, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। अब बात यहां पे ये तो स्टैटिक पॉइंट हो गए, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसका मतलब क्या है। देखिए एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ये होता है जब चीज जो है हमारे देश के अंतर्गत ना हो, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात ना आए, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात आती है तो डैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर का देश अग्रेसिव हो रखा है। दूसरी बात है वॉर, ये भी क्या हो गया, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। और तीसरा हो गया आपका आर्म्ड रिबेलियन, आंतरिक असंतुलन मतलब सैन्य विद्रोह की बात आती है, तो सैन्य विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन जो है वो इंटरनल इमरजेंसी के कारण आ गया, पॉइंट समझ आया। सो अगर मैं बात करूं यहां पे, ये इंटरनल इमरजेंसी है, और ये दोनों की बात करता हूं तो ये आपकी एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी के रूप में देखने को मिलता है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात यहां पे है जब इन कंडीशन में हो तो राष्ट्रपति क्या करता है, देश के किसी भी हिस्से में भी लगा सकता है ये इमरजेंसी, और ये राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पूरे कंट्री में भी लगा सकता है, डिपेंड अपॉन द राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को क्या कंडीशन दिख रही है, क्लियर, एक हिस्से में भी पूरे देश में भी। अब जब इस चीज को लगाया जाता है ना तो हमारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, लेकिन दो आपके फंडामेंटल राइट रह जाते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, आपका ये राइट जो है रह जाता है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपके खत्म हो जाते हैं। अब नेशनल इमरजेंसी जब हमने लगानी है तो इस नेशनल इमरजेंसी को जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा कि हाँ हम नेशनल इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो मिनिमम 6 महीने के लिए लगाई जाती है, 6 मंथ के लिए लगाई जाती है। जब भी 6 महीने के लिए लगाई जाएगी तो ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, 6 महीने के लिए लगा दी हमने, लेकिन बात यहां पे ये आती है कि 6 महीने के बाद हम कितनी देर तक कर सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर एक्सटेंड करने की बात आए तो भी 6 महीने, आगे भी 6 महीने, इस तरीके से 6 महीने का प्रोसीजर चलता चला जाएगा। और कितना मैक्सिमम टाइम, अनलिमिटेड टाइम, जाने के जो है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उस टाइम तक जो है ये आपकी प्रॉब्लम मतलब ये इमरजेंसी हमारे देश में लगी रहेगी। और उसके बाद अगेन यही है कि मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद ये चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो होता है, जो सारी पावर्स होती हैं वो सेंटर के हाथ में आ जाती हैं, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बन जाती है। यूनिटरी का मतलब ये होता है सारी पावर्स सेंटर के हाथ में आ चुकी हैं, और उस केस के अंतर्गत जो भी कानून बनता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सेंटर के अकॉर्डिंग बनती हैं, ना कि राज्य के अकॉर्डिंग बनती हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ये मैंने एक ब्रॉड टर्म में आपको समझा दिया, अब हम डिटेल में जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। देखिए जी, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति जो होती है वो तीन कारणों से लगती है, या तो वॉर हो गया, या एक्सटर्नल एग्रेशन बाहरी असंतुलन, क्लियर, या फिर आपका आर्म्ड रिबेलियन सैन्य विद्रोह, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगेन पहले वर्ड जो था वो इंटरनल डिस्टरबेंस था, आंतरिक असंतुलन था, फिर हमने इस वर्ड को चेंज किया, दैट इज इन द आर्म्ड रिबेलियन में चेंज किया, और ये वर्ड हमने चेंज किया 44 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि 1978 में लगाया गया था। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए आपकी इमरजेंसी लगती है तो उसे हम बाहरी इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। आर्म्ड रिबेलियन, आंतरिक असंतुलन तो नहीं कहूंगा मैं, इस वर्ड को कहेंगे हम सैन्य विद्रोह के कारण लगती है, तो इसको हम और
और क्या कहते हैं, इंटरनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? अब बात यहां पे ये होती है, जब भी ये सारी इमरजेंसी लगाई जाती है तो ये देश के आपके सारे कंट्री के ऊपर भी लगाई जा सकती है, किसी भी पार्ट के ऊपर लगाई जा सकती है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। तो अगर एक हिस्से के ऊपर लगाई जाती है या पूरे कंट्री के ऊपर लगाई जाती है, ये जो प्रोसीजर है, ये बात जो है आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग हमने ऐड करी थी, ये आपको पॉइंट याद रखना है। 42वें संशोधन के अनुसार हमने इस चीज को ऐड किया है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी राष्ट्रपति लगाएंगे, पॉइंट समझ आया, लेकिन राष्ट्रपति लगाएंगे जब तक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद उसको लिख के ना दे दे, राष्ट्र प्रधानमंत्री उसको लिख के ना दे दे कि हाँ हमारे देश में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है ये, और आप इस इमरजेंसी को लगा दीजिए। ये ऐसे नहीं होगा कि हाँ ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने बात आके बोल दी कि हाँ ठीक है लगा दो, ऐसा नहीं है। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा राष्ट्रपति को कि हमारे देश की प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो राष्ट्रपति जो होगा, तो जब तक रिटन रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, जब तक लिखित चीज नहीं मिलेगी, तो आपकी ऑब्वियसली बात है इमरजेंसी नहीं लगेगी। ये जो बात हमने बात करी है कि रिटन मिल चाहिए, तो वो किस चीज के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है? 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44वां संशोधन के अनुसार जो है इस चीज को हमने ऐड किया था। यहां पे ध्यान रखें, क्लियर, दोनों अमेंडमेंट याद कर लेने हैं आपको। देश के किसी भी हिस्से के ऊपर लगे, जब पूरे देश में लगे तो 42nd अमेंडमेंट, और उस केस में जो है आपको राष्ट्रपति को रिटर्न में चाहिए होगा, वो किस में लिखा गया है? 44 अमेंडमेंट में लिखा गया है, ये याद रखें। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बात ये है कि नेशनल इमरजेंसी तो लगा दी हमने, लेकिन बात ये करता है, एक अमेंडमेंट आई थी आपकी 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये बात क्या करता था कि जब भी हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई है, तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी और उसकी कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती, उसकी वैधिकता मतलब संवैधानिकता हम जांच नहीं सकते, उस चीज को हमने खत्म किया था। पहली बात तो यह है कि उसकी संवैधानिकता नहीं जान सकते, उसको इम्यून रखा गया था जुडिशियल रिव्यू से। वो किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? दैट इज अ 38 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कि दिस इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का बात मैंने आपको समझाई हुई है कि जो भी चीज हमारे संविधान में लगी हुई है, कानून लगा हुआ है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है या नहीं है, दैट मीन्स संवैधानिकता है या नहीं है, वो 38 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ड ऐड किया था, और इस चीज को हमने दोबारा से डिलीट किया 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। दैट मीन्स जब भी आप नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उस चीज का किया जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सो इसीलिए राष्ट्रपति क्या कहते हैं, भाई मुझे तो लिख के दो मुझे कि हाँ नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तब तक राष्ट्रपति घोषित नहीं करेगा इमरजेंसी जब तक उसको लिखित में नहीं मिलेगा। एंड ये वर्ड हमने 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हटा दिया था कि आप जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, आपको कोर्ट में कभी भी पेश किया जा सकता है, ये याद रखना है। पॉइंट समझ आया? अब बात ये होती है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी जो है आपके डेट इज द 6 मंथ के लिए लगाई जाएगी, लेकिन बात ये है कि इस चीज को अप्रूव कौन करेगा? इस चीज को अप्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, जान के संसद अप्रूव करेगी। संसद का क्या करती है, 30 दिन के अंतर्गत, यानी कि 1 मंथ के अंतर्गत जो है उस चीज को पास करती है, और स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से पास करती है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से पास करती है, और ये लगती कहां पे है, 6 महीने के लिए लगती है, और 6 महीने से एक्सटेंड होके अनलिमिटेड टाइम तक जो है लग सकती है। और जब भी हम अप्रूवल करते हैं अगले 6 महीने का, तो वो क्या करता है, आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग उसको ऐड किया था। रिपीट करता हूं मैं दोबारा चीजें, देखिए हमने बोला कि पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के लिए कि हाँ आपकी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी हमारे देश में, तो वो नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम के लिए लगेगी, तो वो लगेगी हमेशा 6 महीने के लिए लगेगी। 6 महीने से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने टाइम तक कर सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम तक। लेकिन बात यह है कि इस चीज को हमने ऐड किया था कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया था। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग इस चीज को ऐड किया था, और ये बिल जो पास हो जाना चाहिए 1 महीने के अंतर्गत पास हो जाना चाहिए अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी है।
देश के किसी एक कॉर्नर पे भी लगाई जा सकती है, देश के पूरे कंट्री में भी लगाई जा सकती है, ये आपका प्रावधान देखने को मिलता है। सो दिस इज द नेशनल एमरजेंसी, क्लियर। अब बात ये होती है कि अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति लग गई, नेशनल एमरजेंसी लग गई, तो क्या क्या चीज देखने को आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ द मतलब क्वासी फेडरल है, मतलब पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, सेंटर सेंटर पे काम कर रहा है, स्टेट स्टेट पे काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट में काम कर रही है, अपना अपना काम सारे कर रहे हैं। लेकिन जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो आपके देश में एक ही सरकार रह जाएगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स आ जाएंगी, वही अपना रूल्स रेगुलेशन सारा देश को वही चलाएंगे, जाने के सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चलाएगी आपका, क्लियर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होगा। अब बात यह होती है, जब आपकी पावर्स लगी तो उस केस में यह भी सीन होगा कि जब सेंटर के पास पावर चल गई तो सेंटर तो है, आपको पता है तीन तरीके के लिस्ट होती हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उस केस में जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट होती है अपने लिस्ट के ऊपर तो कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में भी वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट में भी वो कानून बना सकती है सेंटर वाली सरकार, स्टेट लिस्ट की, यानी कि जो जहां पे राज्य जो होते हैं वो कानून बनाते हैं, वहां पे आपकी सेंटर गवर्नमेंट द्वारा से कानून बना सकती है, ये याद रखना। और इस केस में अगर आपकी प्रॉब्लम 6 महीने के अंतर्गत सॉल्व नहीं होती, 6 महीने के अंतर्गत सॉल्व नहीं होती, तो हमने डिस्कस क्या किया है कि उनकी पावर को 6 महीने करते करते अनलिमिटेड टाइम तक लेके जा सकते हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपकी एमरजेंसी बढ़ती है, 6 महीने से ज्यादा बढ़ती है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है और लोकसभा का कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है, मतलब उसके 5 साल खत्म होने वाले हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी उसका जो समय होगा, उसका टेन्योर जो होगा 5 साल से 6 साल हो जाएगा, यानी कि उसकी अवधि जो है 1 साल बढ़ा दी जाएगी, 5 साल से 6 साल कर दी जाएगी, डेट मीन्स उसकी एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, 1 साल एक्सटेंशन हो जाएगी। और ये बात हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमने जो है ऐड करी थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो है पार्लियामेंट का टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं कि आपकी सरकार चल रही है, संसद चल रही है, कोई भी सरकार है, जैसे कि 1962 में देखने को मिला था, इंडिया चाइना वॉर हुई थी आपकी, डेट वाज एक्सटर्नल एग्रेशन, उस टाइम पे लोकसभा का टाइम बढ़ा नहीं, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि उसी टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ऐसे ही 1971 में देखने को मिला था, 1971 में भी क्या हुआ, वॉर हुई, प्रॉपर तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगी, तो उसमें भी जो उसका टेन्योर था, लोकसभा का समय था, उसी में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन एक बार ही ऐसा देखने को मिला है जब आपकी एक्सटेंशन हुई है, दैट इज एट द टाइम ऑफ 1975, जब इंटरनल इमरजेंसी के कारण जो है, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण जो है आपातकालीन स्थिति लगाई गई थी, प्रधानमंत्री गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, क्लियर। और यहां पे आपका लोकसभा का समय जो है 1 साल ना होके 2 साल बढ़ा था, 2 बार बढ़ा था, पॉइंट समझ आया। सो ये पार्ट आपका आता है, ये याद रखना, क्लियर। अब बात करते हैं हमारी नेशनल इमरजेंसी के आगे ऊपर क्या बात करते हैं, देखिए जी क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट होते हैं 20 और 21, ये हमारे पास रह जाते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आर्टिकल 19 है, ये सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड तब होगा अगर हमारे देश की एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के कारण, यानी कि बाहरी असंतुलन और लड़ाई के कारण जो है हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग रही है, तो उस केस में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अगर हमारे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के कारण जो है आपकी इमरजेंसी लग रही है, तो इस केस में 19 आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, तो ध्यान रखना, क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इमरजेंसी के 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और इंटरनल डिस्टरबेंस, दैट मींस आपकी प्रॉपर तरीके से लड़ाई हो जाए, बाहरी अग्रेसिव हो और आंतरिक असंतुलन हो जाए, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, सैन्य विद्रोह हो जाए, क्लियर। जब भी हमारे देश में बाहर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, जब वॉर होगा, तो उस केस में आर्टिकल 19 जो है आपका, जो राइट है आपका स्पीच वाला, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी जो इमरजेंसी लगी है वो आर्म्ड रिबेलियन के कारण लगी है, सैन्य विद्रोह के कारण लगी है, तो उस केस में आपका आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा और उस केस में आपके पास आर्टिकल जो है 19 रह जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बात कर रहा हूं बार बार।
क्लियर हो गया आप लोगों को। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे ऐसे कौन से राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, चाहे किसी भी कारण जो है इमरजेंसी लग जाए। जब भी इमरजेंसी लगती है, किसी भी कारण लगे, तो आपका आर्टिकल और 20 जो होता है ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता। और ये आर्टिकल जो सस्पेंड नहीं होता, ये आपको इंडियन सिटीजन और फॉरनर्स दोनों को मिलता है ये आर्टिकल। तो दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ये याद रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब बात करते हैं दूसरी इमरजेंसी की। अब एक चीज देखो, हमने रिकॉल करते हैं फटाफट कि हमने इमरजेंसी में क्या क्या पढ़ा। नेशनल इमरजेंसी में हमने पढ़ा तीन कारणों से लगती है, दोबारा रिपीट करते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस को वर्ड को चेंज करके हमने क्या डाल दिया, आर्म रेबिलियन, सैन्य विद्रोह, 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, 6 महीने के लिए लगती है, एक्सटेंशन 6 महीने होती चली जाती है, और ये हमने ऐड किया था आपका जो है, ये हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, क्लियर। 6 महीने वाला जो प्रोसेस हमने ऐड किया था, दैट इज एडेड बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर। और जब भी ये आपकी इमरजेंसी लगेगी तो 30 दिन के अंतर्गत पास हो जाना चाहिए वो बिल, स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 से मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो आपका ये इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया कि हाँ जी लग गई इमरजेंसी, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को कभी भी जुडिशियल रिव्यू के लिए, मतलब उस पार्ट को जुडिशियल रिव्यू के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई थी। इसी कारण जो है राष्ट्रपति क्या कहता है आपकी उसको, पार्लियामेंट को क्या कहता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कहता है कि भाई मुझे तो लिख के दो तभी मैं आपकी घोषित करूंगा। और हमारे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी एक हिस्से में लगाई जा सकती है इमरजेंसी, पूरे देश में भी लगाई जा सकती है, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यूनिटरी हो जाएगी सरकार, आपका एक्सटेंशन हो जाएगा 1 साल का लोकसभा का, और जितनी भी स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और हमारे आर्टिकल 19 जो होगा वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण खत्म होगा। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तब हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। पॉइंट समझ आया। 20 और 21 आर्टिकल नंबर जो है हमारे पास रह जाते हैं, चाहे वो इंडियन सिटीजन है चाहे वो फॉरनर सिटीजन है। पॉइंट समझ आया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, रिकॉल भी मैंने आपको करवा दिया। नाउ द पार्ट इज आपका स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक इमरजेंसी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है। पॉइंट समझ आया। अब बात यहां पे ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें बदलाव हो सकती है यहां पे। या तो आपके देश के अंतर्गत जो है, जो आर्टिकल मतलब जो मशीनरी चला रही है, सरकार चल रही है, राज्य सरकार है, वो आपकी फेल हो जाए। फेल होने का मतलब क्या है, सीएम रिजाइन कर दे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास बहुमत नहीं है वो रिजाइन कर जाए, डिसॉल्व हो जाए लोकसभा, सॉरी असेंबली डिसॉल्व हो जाए, तब इसके कारण हो सकती है। पॉइंट समझ आया, फेलियर हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है कि जो सेंटर आपको आदेश दे रही है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको आदेश दे रहा है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, तो तब भी अगर आप उस चीज को नहीं कर पाते तब भी हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग, क्लियर। अब बात यहां पे ये आती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगती है तो यहां पे भी इमरजेंसी 6 महीने एक्सटेंड होती रहती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड टाइम के लिए थी, यहां पे मैक्सिमम कितनी होगी आपकी, 3 सालों के लिए देखने को आपको मिलेगी, 3 सालों के लिए, क्लियर। लेकिन जैसे आपकी नेशनल इमरजेंसी स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत द्वारा पास करी जाती थी, तो यहां पर जो है आपकी अप्रूव करी जाती है, और वहां पे जो है 1 महीने में अप्रूव करी जाती है, लेकिन यहां पे आपकी 2 महीने में अप्रूव करी जाती है आपकी इमरजेंसी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब बात यहां पे ये है आपकी, यस, अब इस चीज के इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इस चीज के जो है इफेक्ट क्या पड़ते हैं, याद रखो, इस चीज के इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति शासन लग गया, अब देश में सरकार में एक जगह के ऊपर राष्ट्रपति शासन करेगा, स्टेट इमरजेंसी लगेगी। राष्ट्रपति ने अपना एक नुमाइंदा, एक पर्सन अपॉइंट किया हुआ है सरकार में, वो कौन है, आपका गवर्नर, यानी कि गवर्नर सारी चीजें संभालेगा, किसके बिहाफ पे, राष्ट्रपति के बिहाफ पे। और वो राष्ट्रपति जो गवर्नर होगा वो किसकी मदद से काम करेगा, चीफ सेक्रेटरी से, मतलब जो राज्य का सचिव होगा, स्टेट चीफ होगा, मुखिया होगा, उससे हेल्प लेके काम करेगा। अगर वो एब्सेंट है तो जो भी कोई एडवाइजर, कोई भी सलाहकार राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करता चला जाएगा। पॉइंट समझ आया। और इसके अकॉर्डिंग या तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे,
असेंबली को, या उसको खत्म कर देंगे असेंबली को। तो ध्यान रखना, असेंबली को खत्म करना जब हम कहते हैं ना डिसॉल्व करना, वो कौन कर रहा है? आपका राष्ट्रपति कर रहा है, ना कि गवर्नर कर रहा है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी जो है इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, तो ऐसे ही आपकी जो स्टेट इमरजेंसी है वो आपका रिव्यू किया जा सकता है उस चीज को। और ये किसमें बोला गया था? एस आर बोम्बई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में ये बात करी गई थी। यहां पे पॉइंट समझ आया? रिपीट करते हैं, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। आर्टिकल 356 पढ़ा, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। क्लियर। स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं और प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन इस केस में होता क्या है? इस केस में ये है, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लग सकती है, 356 के अकॉर्डिंग लग सकती है आपकी इमरजेंसी, अगर आप प्रॉपर तरीके से संविधानिक तौर से तरीके से काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होगी, सीएम ने रिजाइन कर दिया, या कोई भी इश्यू चल रहा है वहां पे, या फिर जो सेंटर डायरेक्शन दे रहा है राज्य को कि भाई तुमने ऐसे काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप काम नहीं कर पा रहे, 365 के अकॉर्डिंग हो सकती है। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी है वो पास होगी 2 महीने के अंतर्गत। क्लियर। लगेगा कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने एक्सटेंशन चलती जाएगी और मैक्सिमम टाइम कितना होगा? 3 साल तक चलती चली जाएगी। अगर सपोज करो 3 साल तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, जो कि पंजाब में एक बार देखने को आपको मिली थी, तो अब 3 से 3.5 साल तक 6 महीने फिर एक्सटेंड की जाएगी। जब भी हमेशा 3 साल के बाद एक्सटेंड करी जाएगी ना 6 महीने, तो उस केस में क्या होगा? एक अमेंडमेंट की जाएगी, संशोधन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा उसमें। अगर 3.5 साल तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर आगे अगेन 6 महीने के लिए जो है आगे एक्सटेंशन होगी, और उस 6 महीने के लिए भी क्या होगा? आपका अमेंडमेंट बिल पास किया जाएगा, ये याद रखना। क्लियर। और इस केस के अंतर्गत सारी पावर्स किसके पास आ जाती हैं? सेंट्रल सरकार के पास आ जाती हैं। सेंटर का मतलब यहां पे क्या है? राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? गवर्नर को कहता है कि तू संभाल यहां पे, कि जो मतलब इस राज्य को तू संभाल, क्योंकि मैंने तुझे अपॉइंट किया हुआ है वहां पे। पॉइंट समझ आया? अब बात यहां पे ये होती है कि जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो किसके साथ मदद लेके काम करता है? या तो कोई सलाहकार राष्ट्रपति अपॉइंट कर दे, या फिर उस राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव होता है, उसके अकॉर्डिंग वहां से वो हेल्प लेके काम कर लेता है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जब भी डिसॉल्व की जाएगी असेंबली, जब सस्पेंड करी जाएगी, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ये भी ध्यान रखना। और अगर कोई डिसीजन लिया है कि आपकी इमरजेंसी लगाई है और ऐसा नहीं है, इसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता, इसको कोर्ट के सामने भी पेश किया जा सकता है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी थी। नाउ द पार्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए, 352 356 पढ़ लिया, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। नाउ द पार्ट इज आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। पहली बात तो मैं आपको एक ही चीज बता दूं, हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकालीन स्थिति नहीं लगी, आर्टिकल 360 कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पॉइंट समझ आया? दूसरी बात यहां पे ये होती है कि कल को हमारे देश में ऐसी कोई चीज आ जाए जिससे हमारे देश का पैसा खत्म हो रहा हो, जहां हमारे देश के पास पैसे नहीं है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इसमें क्या होगा? अगेन 30 दिन के अंतर्गत जो है आपको बिल पास करना पड़ेगा, बिल पास करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा मिलकर सारे जो है चीजें बिल को पास करेंगे। और अगेन ये इमरजेंसी भी कितने टाइम के लिए लगेगी? 6 महीने। अगर एक्सटेंशन करी जाए तो भी 6 महीने, फिर एक्सटेंड 6 महीने। कब तक? अनलिमिटेड टाइम तक जो है आपकी ये प्रॉब्लम, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है ये इमरजेंसी लग सकती है। दूसरी बात यहां पे हम ये कहते हैं कि ठीक है 6 महीने और अनलिमिटेड टाइम। दूसरी बात यहां पे ये होती है, इस केस में जितने भी लोग सेंटर सरकार के अंदर काम कर रहे हैं या राज्य सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी होगी, पेंशन्स होंगे, जो भी भत्ते हैं, उसको कम कर दिया जाएगा। पॉइंट समझ आया? सैलरीज वगैरह को कम कर दिया जाएगा, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को भी कम कर दिया जाएगा यहां पे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। जितने भी बिल होंगे आपके, मनी बिल हो, धन विधेयक बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, और आपके सारे रोक लिए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, रोक लिए जाएंगे जो कि राज्य सरकारों के होंगे, तो ये बात भी यहां पे की जाती है, आर्टिकल 360 में की जाती है। क्लियर। और यहां पे अप्रूवल जो होगा ये आपको 2 महीने के अंतर्गत देखने को मिलता है, लेकिन अगर 2 महीने के अंतर्गत ठीक ना हो और उस टाइम पे आपके जो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाए, जब नई लोकसभा बनेगी उसने उसको 30 दिन के अंतर्गत पास करना जरूरी होगा।
यहां से समझिए, रिपीट करते हैं, नेशनल इमरजेंसी 2 महीने के अंतर्गत पास करनी होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी 1 महीने के अंतर्गत पास करनी होती है, अगेन आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने के अंतर्गत पास करनी होती है। यहां पे देख लीजिए, क्लियर, यहां पे देख लीजिए, सॉरी, ये भी आपकी अप्रूवल जो होगी 2 महीने के अंतर्गत होगी, आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 2 महीने के अंदर अप्रूवल होगी आपकी, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करते हैं अप्रूवल की बात करें तो यहां पे जो अप्रूवल देखने को आपको मिलेगा आपकी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, सो दिस इज इन द, बताइए अप्रूवल जो होगा वो कितने दिनों में मिलेगा आपको, रिटर्न एडवाइस देखने को मिलेगी यहां पे, ठीक है। सो स्पेशल मेजोरिटी में 30 दिनों के अंतर्गत जो है ये अप्रूवल देखने को आपको मिलेगा, पॉइंट समझ आया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आपकी जो है 30 दिनों के अंतर्गत पास हो जानी चाहिए, ये याद रखना। अब बात करते हैं, इमरजेंसी हमारा ओवर हो गया टॉपिक, नाउ इज द वीटो पावर्स। हमने सारी पावर्स डिस्कस कर ली, लास्ट एक पावर रहती है, दैट इज वीटो पावर। अब वीटो पावर का मतलब क्या है कि जब भी आपने अपने डिसीजन से, अपने खुद से कोई डिसीजन लेना हो, मतलब कि ना लोकसभा पूछ रहे हैं ना राज्यसभा पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति के पास अपनी चीज हो कोई भी कि हाँ अपना खुद का डिसीजन लेगा, वैसे तो खुद का ही लेता है लेकिन जब उसकी अपनी मर्जी हो जैसा डिसीजन लेना, तो दैट इज कॉल्ड वीटो पावर, क्लियर। एक चीज ध्यान रखना, वीटो हमेशा एक नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर लगाई जाती है, ना तो मनी बिल के ऊपर वीटो लगती है, ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर वीटो लगती है। सभी ऑर्डिनरी बिल्स जो आपके नॉर्मल बिल होते हैं उनके ऊपर, आपके संशोधन बिल या आपके मनी बिल के ऊपर कभी भी जो है आपकी वीटो नहीं लगती। दिस इज इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, क्लियर। अब बात करते हैं वीटो पावर कौन कौन सी है, एक तो है एब्सोल्यूट वीटो, एक है सस्पेंसिव वीटो, एक है आपकी पॉकेट वीटो। सो तीन आपकी वीटो पावर देखने को मिलती है, एब्सोल्यूट, पॉकेट एंड सस्पेंसिव। इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये देखिए जी, पॉइंट, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति, देखो लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने अपनी एसेंट देने से विदहोल्ड कर लिया। विदहोल्ड का मतलब क्या होता है आपका, उसने कोई जवाब नहीं दिया उस चीज के ऊपर, और 6 महीने के बाद वो बिल खत्म हो जाएगा, यानी कि बिल की डेथ हो गई है उस बिल की, क्योंकि हमने पढ़ा था एक बिल की लाइफ कितनी होती है, 6 महीने होती है, तो 6 महीने के अंदर बाद जो है बिल खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है उसने कोई अपना एसेंट नहीं दिया राष्ट्रपति ने, तो डेट इज कॉल्ड उसकी एब्सोल्यूट वीटो दी जाती है। अब ये एब्सोल्यूट वीटो जो है 2 केसेस में देखने को मिलती है, या तो प्राइवेट मेंबर जो है आपका बिल पेश करे, ये प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या है, लोकसभा के अंदर जो आपके एमपी बैठे हैं और उनमें कुछ मिनिस्टर बैठे हैं और नॉर्मल एक एमपी है, ये बिल जो है एक प्राइवेट मेंबर यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेश करे जो कि आपका मिनिस्टर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। इस केस में आपको देखने को मिलता है कि एब्सोल्यूट वीटो डाल दी जाती है, या फिर आपकी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइन आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल बट बिफोर द एसेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड देन द न्यू कैबिनेट एडवाइज द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज एसेंट। मतलब पुरानी सरकार ने, पुरानी कैबिनेट ने बोल दिया था, बिल पास कर दिया था, जब नई कैबिनेट आई है उसने कहा कि रहने दो, इस बिल को पास करने की जरूरत नहीं है, तो वो बिल एब्सोल्यूट वीटो में चला जाता है यहां पे। सो यहां पे देखिए जी, राष्ट्रपति ने विदहोल्ड कर लिया अपनी एसेंट, एसेंट का मतलब हां या ना, ठीक है, विदहोल्ड कर लिया, और 6 महीने के बाद वो बिल खत्म हो गया और एक्ट नहीं बना, और इससे क्या हो गया, डेथ ऑफ द बिल। सो ऑटोमेटिकली ये पावर कौन सी होगी आपकी, एब्सोल्यूट वीटो देखने को आपको मिल जाती है यहां पे, क्लियर। और ये हमेशा प्राइवेट मेंबर बिल, और अगेन जब आपकी नई सरकार आपको बोल दे तब। ये एब्सोल्यूट वीटो हमने कहां पे देखी थी, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 के अंतर्गत एक पेप्सो बिल आया था उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी हां ना नहीं किया था, और उसने जो है आपका जो है उस टाइम पे जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, और उसमें ये देखने को आपको मिला था पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर 1954 में। दूसरी बात आती है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंस है यहां पे, सस्पेंसिव का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिए, सस्पेंसिव का मतलब क्या है यहां पे जी, सस्पेंसिव वीटो का मतलब देखते हैं क्या होता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब यह है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल है ऐसा जो के स्पेशल मेजोरिटी से पास किया हो, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से, ये जाएगा राज्यसभा के पास, ठीक है, राज्यसभा ने भी 2/3 से पास कर दिया और ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को लगा कि इस केस में जो आपने बिल बनाया है, जो बिल पास कर गया है, वो राष्ट्रपति उन चीजों से मतलब खुश नहीं है, उसने कहा कि दोबारा से बिल को देखो। तो जब दोबारा से बिल को देखो मतलब क्या हो गया, रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन,
पॉइंट समझ आया कि दोबारा से रिकंसीडर करो कि ये बिल पास होगा या नहीं पास होगा। रिकंसीडरेशन के लिए भेजाएगा जाएगा तो अगेन लोकसभा में पास होगा पहले, फिर राज्यसभा में पास होगा दोबारा से, और फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास एंड में दूसरी बार जो है सेकंड टाइम जो है बिल पहुंचा, सेकंड टाइम बिल पहुंचा राष्ट्रपति के पास, तो उसको यहां पे साइन करना जो है जरूरी होता है, आवश्यक होता है कि वो साइन करेगा ही करेगा यहां पे सेकंड केस में। तो यहां पे विटो क्या हुई, विटो ये हुई रिकंसीडरेशन की। लेकिन सीन यहां पे ये होता है कि अगर पहली बार में फर्स्ट टाइम में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो रहा है तो दूसरे केस में भी स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा, नहीं यहां पे दूसरे केस में तो आपकी सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो सकता है, ये याद रखना। साधारण बहुमत से बिल पास हो सकता है, यहां पे सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो सकता है, दैट इज 50% प्लस 1 से वोटों से पास हो सकता है ये बिल, क्लियर। सो यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अब देखते हैं सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है। यहां पे प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल, जब प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया, रिटर्न का मतलब अगेन वही चीजें हैं कि वापिस कर दिया कि हाँ देखो क्या है ये चीजें, दोबारा से पास होता है तो उसके पास ऑब्लिगेशन होती है कि उस बिल को पास करना जरूरी है। और ये केस देखने को मिला था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के टाइम पे 2006 में, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल आया था एपीजे अब्दुल कलाम जी की एपीजे अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे, तो उसमें रिकंसीडरेशन के लिए भेजा गया था राष्ट्र पार्लियामेंट के पास, तो दैट वॉज द सस्पेंसिव वीटो, क्लियर। नेक्स्ट इज द पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास जब बिल पहुंच गया लोकसभा राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति ना तो हां कर रहा है ना ना कर रहा है उस चीज के ऊपर, और बिल इतना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देखिए मैंने बोला था एब्सोल्यूट, उसने विदहोल्ड कर लिया, उसमें बिल की डेथ ही करवा दी, लेकिन जब तक अनलिमिटेड टाइम के लिए राष्ट्रपति ना तो हां कर रहा है ना तो ना कर रहा है, बिल उसकी पॉकेट में लेके घूम रहा है, वो पॉकेट में लेने का मतलब रखा हुआ है बट पॉकेट कह देते हैं कि पॉकेट में लेके घूम रहा है, तो दैट मींस दैट इज कॉल्ड आपकी पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, दिस इज फॉर द इनडेफिनेट टाइम, क्लियर। और पॉकेट वीटो में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था आपका, जो ज्ञानी जय सिंह जी की उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी जी की सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार ने उस चीज को पास किया था, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लग रही थी फ्रीडम ऑफ प्रेस की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की रिस्ट्रिक्शन लग रही थी, और इस चीज के लिए उन्होंने वीटो डाली थी, पॉकेट वीटो किसने, ज्ञानी जय सिंह जी ने डाली थी। और उसके 3 सालों बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए थे वेंकटरमन जी, उन्होंने इस बिल को रिकंसीडर करने के लिए भेज दिया। रिकंसीडरेशन के लिए जो वेंकटरमन जी ने भेजा, तो यहां पर कौन सी वीटो यूज कर ली उन्होंने, सस्पेंसिव वीटो यूज कर ली, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और न्यूली गवर्नमेंट डिसाइड टू ड्रॉप द बिल, न्यू सरकार ने बोला इस बिल को खत्म कर दो, पॉइंट समझ आया। सो ये थी आपकी पॉकेट वीटो। तो मैंने आपको तीनों वीटो पावर्स आपको डिटेल में समझा दी हैं। नाउ द पार्ट इज, अब एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी वीटो पावर हम किस केस में नहीं लगा सकते, ना तो मनी बिल के केस में लगा सकते हैं, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में लगा सकते हैं। पहली बात, तो जब मनी बिल लेके आते हैं लोकसभा के अंतर्गत आता है तो वो राष्ट्रपति की परमिशन से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब भी आता है राष्ट्रपति की परमिशन से आता है, राष्ट्रपति जो है अगेन परमिशन करते हैं तो आपका प्रॉपर तरीके से चलता है, ठीक है। अब बात यह है, जो 24 अमेंडमेंट बिल एक्ट है आपका 1971 का, ये आपको क्या करता है, ऑब्लिगेशन देता है कि राष्ट्रपति को हां कहना ही पड़ेगा अगर उसके पास वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है, संविधान संशोधन बिल आता है कि हाँ संविधान में कुछ बदलाव करना है, तो 1971 के अकॉर्डिंग, 24 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसको हाँ कहना पड़ेगा ही पड़ेगा उस केस के अंतर्गत। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति को हाँ कहना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक कुछ पावर्स आती हैं आपकी डिस्क्रिशनरी पावर, जाने के राष्ट्रपति डिस्क्रिशनरी पावर अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, वीटो तो डाल ही सकता है लेकिन वीटो में भी कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ आपके डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब मैं करूंगा ये सारे काम, ये कब कर सकता है, अगर संविधान, अगर जो है आपकी लोकसभा में किसी के पास मेजोरिटी ना हो, बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति किसी भी पर्सन को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, क्लियर हो गया आप लोगों को। जैसे ही आपके राष्ट्रपति, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारे पास बहुमत नहीं है, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, तो उसकी मर्जी होती है आपकी डिसॉल्व करने की, अगेन एडवाइस लेता है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और कर देता है। और अगेन पॉकेट वीटो लेने के लिए उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, दैट मींस अनलिमिटेड टाइम के लिए उस बिल को संभाल के रखा हुआ है और कोई भी उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा। सो दैट इज अगेन द आपकी डिस्क्रिशनरी पावर में आता है पॉकेट वीटो में, क्लियर।
ये हमने डिस्कस कर लिया डिस्क्रिशनरी पावर में, मैंने आपको समझा दिया, डिटेल में समझा दिया, समझ आया। अब बात यहां पे ये है कि दिस इज अ क्वेश्चन और आपको इसको सॉल्व करना है, और देखता हूं मैं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति ने पावर लगाई है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, मतलब क्या हो गया, देश में एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगी हुई है, आपकी स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, जो कि राज्य की जो असेंबली होगी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये होगा। आर्टिकल 19 ही सस्पेंड है, आर्टिकल 19 कैसे सस्पेंड हो जाएगा, वो फंडामेंटल राइट का वाली बात है, नेशनल इमरजेंसी में होता है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, इस केस में आंसर क्या बनेगा, कि क्या आंसर इसका बनेगा, इस केस में बनेगा आपका आंसर डी, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपने आप को खुद से कानून बनाएंगे। तभी तो मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 356 का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी इसको हम कहते हैं। सो राष्ट्रपति वहां पे कानून बनाएंगे उस सरकार के लिए, उस आपकी स्टेट के लिए। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, यार लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, कानून बनाना, कानून बनाना, वो आप जो लिख रहे हैं बी आंसर होगा। एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कहां से आ गया, आपके जो आर्टिकल 360 है, 356 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। पॉइंट समझ आया, अगर वो कहता कि पार्लियामेंट ना करके यहां पे प्रेसिडेंट वर्ड डाल देता तो प्रेसिडेंट मान सकते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट आगे किसको अपॉइंट कर देता है वहां पे, गवर्नर को, कि तुम संभालो। गवर्नर जो है या तो एडवाइस लेता है, जो भी एडवाइजर अपॉइंट किया हो राष्ट्रपति ने, या फिर वो एडवाइस लेता है किसकी, चीफ सेक्रेटरी की, यह भी हमने डिस्कस किया था। इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका, डी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन आप पढ़ते रहे, टॉपिक तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन अगेन वहां पे आती है ना चीजें, कि हाँ कि आपने कैसे की हुई है, तो उसमें आपको चीजों का पता लगता है, और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है अगेन एमसीक्यू करने से ही आपको चीजें समझ आएंगी। यहां पे पॉइंट समझ आया आप लोगों को, यस ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, जहां पे बात करते हैं दूसरे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, आंसर नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, शाबाश आंसर दीजिए, शाबाश आंसर दीजिए। इनमें से जो है प्रोक्लेमेशन आप ले रहे हैं, राष्ट्रपति शासन के लिए प्रोक्लेमेशन ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूलिंग स्टेट। देखिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति शासन के ऊपर क्वेश्चन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या नहीं होंगे। Not necessarily मतलब जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसमें क्या चीज नहीं होती। पॉइंट नंबर वन, डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो आप डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली को, चलो देखते हैं। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट, यानी कि मंत्रिपरिषद को आप रिमूव कर देते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, यानी कि लोकल बॉडीज को आप डिसॉल्व कर देते हैं, तो इसमें कौन से नहीं बनेंगे, तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बनेंगे, बी ऑप्शन, यानी कि वन और थ्री। कैसे, आप एक चीज बताओ, ये कॉन्सिक्वेंसेज जरूरी नहीं है कि आपने जो है असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, पहले ही बात तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, जो आपका मंत्रिपरिषद होता है इसको आप कर सकते हैं रिमूव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबली को आपने डिसॉल्व कर दिया, क्लियर। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है, लोकल बॉडी का डिसॉल्यूशन ये भी कुछ नेसेसरी नहीं है कि ये ऐसे होगा, तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा, वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर, वन एंड थ्री, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी रही होगी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी रही होगी। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स से कर सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स है जो मैं आपको बताऊंगा, उसका लिंक वगैरह हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन होगा, क्लिक करके आप सीधा उस कोर्स के ऊपर जा सकते हैं और ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ, जो भी आपकी चीजें इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे हम शेयर करती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई पेपर डाउट क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको एमसीक्यू करना बहुत बहुत जरूरी है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन एग्जाम पेपर निकलेगा कैसे जब तक आपके एमसीक्यू आपको आपके निकल रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारा पेड कोर्स है 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जस्ट
₹1299 में, जो आज लास्ट डे है, आप जो भी जो है 1299 में देखने को मिलेगा। और इसमें आप कोड लगा सकते हैं VIP फ्लैश, अगर ये कोड लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स के ऊपर। VIP फ्लैश कूपन कोड को यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप ये कोर्स सिर्फ ₹1299 में ले सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, बहुत सारी चीजें स्टेट स्पेसिफिक UPSC के क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं, उनको आप देखें, ठीक है। अब इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं, StudyIQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे आप इस चीज को ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को आप जैसे ही दबाएंगे GS कोर्स एंड 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें। अगेन मैं आपको कह रहा हूं MCQ करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MCQ नहीं कर रहे तो आप अपनी गलती कर रहे हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज आपने मुझसे पूछनी है, तो आप मुझे यहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं इसी मेल आईडी के ऊपर। समझ आया? सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।